श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग हरिनाम की महिमा पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, और कल हमने कम से कम 1.5 घंटा हरिनाम की चर्चा की। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन ये खत्म तो नहीं होएगा आज, अगर आपकी इच्छा है तो वी कैन कंटिन्यू अगले हफ्ते भी, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है। तो अत्यधिक चैंटिंग द होली नेम नोइंगली और अनोइंगली बाय चैंटिंग द होली नेम माला दे दो ना। प्रभु जी जरूर करेंगे कंटिन्यू। बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा आइदर नोइंगली वो तुरंत जल के भस्म हो जाती है। उसी प्रकार हरिनाम चाहे जान के लो चाहे अनजान में लो, वो अपना काम करेगा ही करेगा। इसलिए मनुष्य के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि वो कहता मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं हरिनाम नहीं करूंगा, मैं भजन नहीं करूंगा। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दवाई खाओ, दवाई कैसे अंदर जाती है, अपना काम करती है, ये कोई देखने नहीं जाता। उसी प्रकार हरिनाम भी अपना काम अंदर जाके करेगा ही करेगा। आप करते जाइए, धीरे धीरे जब रोग कम होगा, यानी हमारे अनर्थ कम होंगे, और धीरे धीरे प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होना शुरू होएगा और मन बात में लगेगा, आप दवाई खाते जाइए। क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं कह चेतो दर्पण मार्जन कैसे होता है, कृष्ण संकीर्तन से, यानी हरिनाम करते करते ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। ये मूर्खता की बातें हैं। शुद्ध करो, मन को साफ करो, फिर भजन करना। भैया मन अगर साफ होता तो भगवान को प्राप्त हो गए होते हम, और हमको फिर भजन की आवश्यकता नहीं थी। मन साफ नहीं है, मलिन है, इसलिए हमको हरिनाम करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल महाप्रभु के विरुद्ध हम बात करें। उन्हें का चेतो दर्पण मार्जन कैसा था, कृष्ण संकीर्तन से। तो आप कैसे कह रहे हो कि मन को साफ करो और फिर भजन करो? मलिन मन ही तो भजन करता है, को लगाना है उसको। दुष्ट लोग भजन करेंगे तभी मन साफ होएगा, और इसके बहुत से मैंने कल प्रमाण दिए थे, जैसे जगाए मदाई का दिया था महाप्रभु की लीला में, और वेशक का दिया था, और भी मैंने कई बातें बताई थी, तो मैंने कल भी बड़े विस्तार से उसको, मैं इसलिए दोबारा आज नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूं। ऑल फ्रुक्टिफाइड एंड अनफ्रुक्टिफाइड सॉलिड एक्टिविटी बिकम डिस्ट्रॉयड। कहते हैं जो कर्म फलीभूत हो चुके हैं और जो आगे फलीभूत होंगे, उन सब का नाश हो जाता है नाम के द्वारा। ऑल सिंफुल एक्टिविटीज कमिटेड इन दिस लाइफ एज वेल एज दोस कमिटेड इन प्रीवियस लाइफ, यानी जो पाप हमने इस जीवन में किए हैं और पहले के जीवन में कर चुके हैं, एंड इन फ्यूचर लाइफ टाइम्स और जो उसका जो फल हमें आगे भी मिलने वाला है, विल बी वैनक्विश इजिली बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा। उसका तुरंत नाश हो सकता है केवल कृष्ण नाम जपने मात्र से। फॉर अ लिविंग एंटिटी देयर इज नो फ्रेंड अदर देन द लॉर्ड्स होली नेम। मनुष्य के लिए हरिनाम से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। तो यानी मैंने कल भी बताया था कि 6वें स्कंद के अंदर परीक्षण महाराज जब पूछते हैं प्रश्न सुखदेव जी से, क्या पूछते हैं कि इंसान की पाप बहुत से व्रत या प्रायश्चित करने से इंसान के पाप क्षीण तो हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती, तो पाप करने की वृत्ति नष्ट कैसे होगी? तो कहा गया कि तब उन्होंने 4 अध्याय इसके ऊपर बोले सुखदेव जी ने,
ताकि हरि नाम करने से मनुष्य के पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है. द डिजायर टू कमिट सिनफुल एक्टिविटी इज वैनक्विश्ड बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. यानी होली नाम में इतनी ज्यादा क्षमता है लेकिन वह हरि नाम को बनाए रखने के लिए हमें शुद्ध साधु संघ चाहिए और उन साधु का संकर जो नाम निष्ठ है, जो नाम निष्ठ है वही आपसे नाम जपा सकते हैं. जो महात्मा लोग खुद नाम नहीं जपते हैं वो कैसे आपसे नाम जपाएंगे. तो उनको खुद नाम में निष्ठा नहीं होती, वो अन्य क्रिया कर्म कांड में लग जाते हैं, इसी कारण से वो आपसे नाम नहीं जपा सकते. तो कहते हैं ये जो नाम निष्ठ साधु मिलना सबसे दुर्लभ है. हमको सैकड़ों हरि कथा करने वाले मिल सकते हैं, सुंदर हरि कथा भी करते हैं लेकिन नाम निष्ठ नहीं बना पाते हमको. कहते इससे नाम निष्ठ साधु संघ का प्राप्त होना और नाम में प्रेरणा देना ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि महाप्रभु और हमारे जितने भी जो आचार्य हैं और हम जीव को हरिनाम करवाने ही आए हैं. महाप्रभु का चैत्र चैतामृत चैत्र भागवत पढ़ लीजिए, हरिनाम चिंतामणि पढ़ लीजिए भक्ति विनोद ठाकुर जी की, और कौन कितने ग्रंथ है प्रेम विलास पढ़ लीजिए, और कितने ग्रंथ में आपको प्रमाण दे सकता हूँ. इवन भागवत के अंदर लिखा है, रामचरित मानस में लिखा हुआ है कि हर कांड के अंदर आता है कि जीव को नाम जपना चाहिए. महाप्रभु हाईएस्ट चीज देने आए हमको वह है हरि नाम देने आए हैं, लेकिन क्या होता है हम खुद नाम जपते नहीं, हम खुद इंस्पायर्ड नहीं रहते नाम जपने के लिए, इसी कारण हम दूसरे से नाम नहीं जपा सकते और न हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं क्योंकि हमारा खुद का भजन कमजोर है. इसी कारण से बुराई हमारे ऊपर हावी हो रही है. जीव में क्षमता नहीं है वो बुराई का नाश करे. अगर आप देखोगे ये कोई पहली बात थोड़ी हुआ है कि बुरे लोग हम पे हावी हो रहे हैं, अनंत हर युग में ऐसे ही होता. तो सब धरती जाती है देवताओं के पास, देवता कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा वश नहीं चलता, चलो हम उस हरि की शरण जाए, फिर वो हरि की वैकुंठ जाते हैं, हरि को पुकारते हैं, प्रभु के पुकार उनके पुकारने से प्रभु अवतरित होते हैं और तब जाके बुराई का नाश होता है. यानी जब देवता भी बुराई का नाश नहीं कर सकते ब्रह्मा जी समेत, हम और आपने कैसे सोच लिया हम अपने प्रयास से बुराई का नाश कर पाएंगे. बुराई का नाश करने की क्षमता जीव में नहीं है, बुराई का नाश केवल भगवान के द्वारा ही होता है. जैसे हर युग में भगवान ने अवतार लिया बुराई का नाश लिया, कलयुग में हमारे प्रभु नाम के रूप में आया. जो नाम का आश्रय लेगा नाम के बल पे वो अपने जीवन की बुराइयों का नाश कर पाएगा. बिना नाम का आश्रय ले बुराई पे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता. An offender against the holy name become delivered by chanting the holy name. जिसने नाम के प्रति अपराध किया है, जो नाम अपराधी है उसका भी उद्धार हो सकता है. कैसे हो सकता है? अगर वो अखंड हरि नाम करेगा तो. कहते हैं all human beings who commit offense against the saintly person in this world. स्वयं महाप्रभु कह रहे संतों के प्रति अपराध किया, गुरु वर्गों के प्रति अपराध किया, becomes delivered by chanting the holy name of the Lord. कहते ऐसे लोग का भी उद्धार हो सकता है अगर वो हरि नाम का आश्रय ले. इसलिए बार बार हम कहते हैं हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं to avoid offenses the best way is to increase the chanting of the holy name. यानी अपराधों से बचने का एक ही तरीका है अपने जीवन के हरि नाम को बढ़ाने का. जब आपका हरि नाम की संख्या बढ़ जाती है तब आपके पास समय कहाँ है अपराध करने को. आपको एक ही चिंता सताएगी नाम कैसे पूरा हो, नाम कैसे पूरा है. नाम का चिंतन ही कृष्ण का चिंतन है. दिस इज रियल क्वालिटी की हर वक्त नाम का चिंतन करो. इतने बालक करनी है, अभी 40 माला बाकी, अभी 50 माला बाकी है, 30 माला, रात के 11 बज गए, कैसे पूरा होगा, पूरा नहीं होगा. तो आपके पास समय नहीं है किसी के प्रति गलत बात करने का या किसी के साथ बैठ के टाइम वेस्ट करने का. आपके पास कुछ समय नहीं है. क्यों? क्योंकि आप नाम निरंतर जपते जा रहे हो, आप नाम निरंतर जपते जा रहे हो, आपका ध्यान हर वक्त नाम है. तो इसी तरीके से हम अपने पाप का मार्जन भी कर सकते हैं और नए नाम अपराध करने से हम अपने आप को बचा सकते हैं. जो हो गया कोई बात नहीं, छोड़ दो और तुरंत अब शुरू कर दो हरि नाम करना. अपनी क्षमता से अधिक टारगेट रखिए और प्रयास करिए पहुंचने का. तो धीरे धीरे क्या होगा, आप प्रयास करोगे, आपके पास समय नहीं रहेगा अपराध या व्यर्थ की बात करने का.
ना कोई आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आप अभ्यास करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपका टाइम ईश्वर का माला नहीं है। आप बोलो छोड़ो यार मुझे अपना नाम करना है, नाम मेरी संख्या रह जाएगी। उसी तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ऑल ह्यूमन हु कमिट ऑफेंसेस अगेंस्ट सेंटी इन दिस वर्ल्ड बिकम डिलीवर्ड बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरि नाम करने से ही हम इन सबसे मुक्त हो सकते हैं, चाहे वैष्णवों के प्रति अपराध किया हो, चाहे नाम के प्रति अपराध किया हो। बस एक ही तरीका, निरंतर नाम जप करना। मिलियंस ऑफ अटोनमेंट्स आर नॉट इक्वल टू द होली नेम। ते हैं करोड़ों प्रायश्चित कर लो, वो करोड़ों प्रायश्चित भी नाम की तुलना में नहीं हो सकते। कहते देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अटोनमेंट्स डिस्क्राइब इन द शास्त्र। हर छोटे छोटे पाप के लिए उसका प्रायश्चित बताया गया शास्त्र के अंदर, भाई ये प्रायश्चित करो, ये करो, वो करो। बट नन ऑफ देम आर इक्वल टू द चैंटिंग ऑफ कृष्णास होली नेम। कहते वो क्रिया करना आसान भी नहीं है, और करोगे तो वो एक पाप नष्ट होगा, लेकिन हरिनाम करने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप। और वो कहते हैं दे ऑल ऑफ देम बट नन ऑफ देम आर इक्वल टू द चैंटिंग, सारे प्रायश्चित मिला लो तो भी वह हरि नाम से आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। हरि नाम इतना श्रेष्ठ है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। अ चैंटर ऑफ द होली नेम हैज नो सिन। जो लगातार हरि नाम करता है उसके जीवन में पाप नहीं होते। अ सिनर कैन नेवर कमिट एज मेनी सिनफुल एक्टिविटीज एज द होली नेम ऑफ हरि कैन काउंटरैक्ट। कहते जी में इतनी क्षमता नहीं है पाप करने की जितना हरि नाम के द्वारा उसका पाप नष्ट हो सकते हैं। यानी आप सोचो इतना है तो फिर हमें क्यों दिखाई देता है कि भाई लोग दुखी है? क्योंकि लोग ना नाम जप करते नहीं है, लोगों को नाम पे निष्ठा नहीं है। नाम पे निष्ठा ना होने के कारण फल में भिन्नता आ जाती है। इसलिए मैंने कल समझाया था ना कि कोई प्रभु को प्रभु जो है कल फ्रश के समान है। कोई प्रभु को सम मानता है न्यूट्रल, तो प्रभु उसके लिए सम बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। कोई प्रभु को मानता है कर्म प्रधान, प्रभु हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, तो ठीक है प्रभु कहते हैं जब तू कर्म प्रधान मानना है तो कर्म को भोग, मैं उसमें हस्तक्षेप क्यों करूंगा। तो कोई तीसरा मानता है प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका पक्ष रहूं, मेरी सहायता करो। क्योंकि जो प्रभु की शरण जाता है, प्रभु का पक्ष लेता है, प्रभु उसका पक्ष लेते हैं, उसके कर्म को नष्ट करते हैं, ना कि ज्ञानी के और कर्मी के। जो सब मानते हैं जो कर्म को प्रधान, तो भाव सबके अलग अलग है। दूसरी चीज, हम किस भाव से ईश्वर की उपासना करते हैं। आमतौर पर देखोगे लोगों से कहेंगे, लोग कहेंगे ईश्वर को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, कई जन्म बीत जाते हैं, बहुत साधना करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे ग्रंथों को पढ़ोगे और भक्ति के भाव से देखोगे, ईश्वर को प्राप्त करना आसान है। प्रभु को केवल नाम जप करना, प्रभु प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से प्राप्त हो जाते हैं। और प्रेम प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। जीव अगर कथा सुने और नाम जपे और अपने आप को जीवात्मा माने, जीवात्मा हूं मैं, प्रभु का अंश हूं, अगर वो अपने को प्रभु का अंश मानता है, अपने को आत्मा आइडेंटिफाई करता है, आत्मा का कर्तव्य है अपने अंशी की सेवा करना, अंशी को ना कृष्ण उसकी सेवा करना, तो वो रात दिन उसकी सेवा करेगा। हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, बॉडी मानते हैं, और शरीर के नाते जितने लोग हैं हम सबकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ना आज तक कोई खुश हुआ है, ना किसी ने हमको अच्छा कहा, उसके बावजूद गालियां पड़ती, तुमने क्या किया हमारे लिए। सभी लोग यही तो कहते हैं, कितना भी, क्योंकि जीव की क्षमता है, जीव को चाहिए पूर्ण चीज। ना हम पूर्ण नहीं तो हम पूर्ण चीज कैसे दे सकेंगे? अच्छा, हम पत्नी से पूर्ण सुख मिले, कैसे मिलेगा? पति अपूर्ण है, फिर सोचते बच्चे सुख मिलेगा, बच्चा भी तो अपूर्ण है। अब पूर्ण चीज पूर्ण सुख दे ही नहीं सकती। पूर्ण केवल परमात्मा है, वही हमको पूर्ण सुख दे सकते हैं। जीव को ये नहीं पता कि सुख कहाँ पे हमें ढूंढना है। हम अपने को शरीर मानते हैं, शरीर के नाते जितने भी लोग हैं उन्होंने हमें अपना माना है, जबकि प्रत्येक मनुष्य कर्म अनुसार हमारे पास आया है और कर्म अनुसार उससे बिछड़ना है। जीव का मिलना और बिछड़ना भी हमारे वश की बात नहीं है। जैसे नदी में तिनके बहते हैं, कभी वो तिनके करीब आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार जी कर्मश कभी करीब आता है, कभी किसी से दूर आता है। एक जैसी स्थिति कभी किसी की नहीं रही है।
तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ऐसा क्या हो रहा है, ये दूरी कैसे हो गई, वैसा क्यों हो गया, क्योंकि कर्म अनुसार ही करीब आते, कर्म अनुसार हम दूर जाते हैं, एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, हमारा नित्य का नाता ईश्वर से है, हमने अनंत समय से भजन नहीं किया, भगवान के सम्मुख नहीं हुए हैं, तो कैसे क्या करे। इसी कारण से तो हम भटक रहे हैं, बार बार 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, तो अब तो भगवान के प्रति सम्मुख हो जाइए। तो कहते ना भैया कि भाई वेद मंत्रों के लिए आसन की जरूरत होती है, शुद्धता की जरूरत होती है, पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए, तब जाके हम भजन कर सकते हैं। लेकिन हरिनाम तो लेट के भी कर सकते हैं, टॉयलेट में भी कर सकते हैं, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप मेडिकल स्टोर जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, आप उस पे भी तो हरि नाम कर सकते हैं, तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कहते कि जैसे हरि जैसे वैदिक मंत्रों के कहते पूरा आपके मुख करके करो, लेकिन हरि नाम के लिए कोई केवल ईश्वर के सम्मुख होना और कोई मुख की किताब मुख करने की जरूरत नहीं है, केवल ईश्वर के सम्मुख होना बस। क्या हम ईश्वर के सम्मुख नहीं हो सकते, क्या उसे प्रॉब्लम क्या है, कोई कठिनाई नहीं है। हम आलसी है, हम करना नहीं चाहते, हमको विश्वास उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए हमसे नाम नहीं होता, यही कारण है और कोई नहीं। और क्या कि बाकी लोग वैसे बुराई भिन्न भिन्न रूप धारण करके जीव को विकसित करती है, मानस के बाल कांड की लाइन है, सभी राक्षस मन मान रूप धारण करते हैं, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वसा वेद विरुद्ध काम करते हैं, कभी रिश्तेदार बन के आएंगे, कभी दोस्त बन के आएंगे, कभी ब्राह्मण बन के आएंगे, कभी सन्यासी बन के आएंगे, कभी ब्रह्मचारी बन के आएंगे, और क्या होगा, वो आपको भजन से रोकेंगे, ये नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। भैया अब हमको भजन नंदी बनाने के बजाय, हेल्प करने के बजाय भजन ज्यादा करो। हर इंसान आपकी निंदा कर रहा है, आप ज्यादा क्यों भजन करो, ज्यादा माला क्यों करो, तुम कोई सेवा नहीं करो, हाय सेवा करो, नाम की सेवा सबसे हाय सेवा है, नाम नामी से अभिन्न, जब नाम की सेवा करो तो राधा कृष्ण की सेवा करो, ये हम समझते क्यों नहीं है। आप ये वो छोड़ के मेरी सेवा करो, मतलब क्या कि हम अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ मानते हैं, कि जो एक बंदा हरि नाम कर रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, हम उसकी सेवा छुड़ा के हम अपनी सेवा करा रहे, ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। आठवां नाम अपराध कहता है, भगवान के नाम की तुलना कोई भी सत्कर्म से, पुण्य कर्म से, यज्ञ योग तप से नहीं हो सकती, ये सर्वश्रेष्ठ चीज है। जे सारे वैदिक मंत्र मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन नाम जो है प्रभु के धाम में प्रेम प्रदान करता है, निजी सेवा देता है, सारे वैदिक मंत्र से इसके ये श्रेष्ठ है। तो कहते हैं There are millions of different atonement described in the Shastra, करोड़ों प्रायश्चित बताए गए हैं, but none of them are equal to chanting of Krishna holy name, लेकिन कोई भी कृष्ण नाम के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। जिसने अखंड हरि नाम कर लिया उसके जीवन में सारे प्रायश्चित हो चुके हैं। A sinner can never commit as many sinful activities as the holy name of Hari can contract। इंसान में इतने पाप करने की क्षमता नहीं है जितने पाप नष्ट हो जाते हैं हरि नाम के द्वारा। कई तो जब इंसान क्या होता है भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है तो हरिनाम रात दिन करता तो पाप नहीं होते। उस समय भी कभी कभी प्रतिकूलता आती है, क्यों आती है, भगवान की इच्छा से आती है। जैसे क्या होता है जब क्योंकि क्या था हमारा मन हमेशा अनुकूलता मिलेगी ना तो संसार में विचलित होता है, फिसलता है, तो भगवान क्या करते हैं हमें ठोकर मारते हैं, उथल पुथल ले आते जीवन में, उससे क्या होता है फिर हमारा मन भगवान में लगना शुरू होता है। हम जिसके प्रति आसक्ति दिखाते हैं, जिसके प्रति हमारा मन जाना शुरू होता है, उसी से हमको जूते पड़ते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है, तो भजन में मन लगा के रख। जैसे एक पतिव्रत स्त्री नहीं चाहते उसका पति किसी और के पास जाए, भगवान भी नहीं चाहते कि तू अपना मेरे सेवा किसी और को दे। जब जब हम मन देना शुरू करते हैं तो हमको प्रभु ठोकर मारते हैं उसी के द्वारा, तो मन मुझे क्यों नहीं देता, उसको क्यों दे रहा है, ये चीज हमको समझनी चाहिए। लेकिन हम लोग इस बात को अच्छा कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नारद जी ने जाके कंस को कहा कि 8 में से कौन सा 8 आएगा, अगला के पिछला ये वो, तो ये सारे जो यदुवंशी हैं सब देवता है और भगवान के आने की प्रतीक्षा करे तेरा नाश करने के लिए। अभी
एक दृष्टि से देखा जाए तो लगता है कि नारद जी कला प्रिय कला कर रहे हैं इस प्रकार कह के, नहीं, नारद जी का बहुत बड़ा रहस्य इसके पीछे इस क्या है कि भक्त के जब ऊपर कष्ट आएगा भक्त आर्त भाव से पुकारेगा। अभी तक हम जब करते पुकारते वो हृदय से आर्त भाव, यानी टोटल हेल्पलेस कंडीशन जिसको बोलते हैं हेल्पलेसनेस, वो स्टेप नहीं आई है, फिर भी हमको लगता है किधर ना किधर कि मैं भी कुछ हूँ मैं भी कुछ हूँ, तो क्या होता है कि भक्त पे कष्ट आएगा भक्त आर्त भाव से पुकारेगा और भगवान की पुकार को सहन नहीं कर सकेंगे, उनको तुरंत आना पड़ेगा। दूसरा, दुष्ट इंसान को क्यों बढ़ाया, कंस को क्यों बढ़ा दिया देव के वासुदेव के साथ, क्यों दुष्ट को क्यों बढ़ाते हैं आपको बैठे बैठे दुष्टों के द्वार का, क्योंकि उसके पुण्य शीघ्र खत्म होंगे। जैसे रामायण के अंदर लाइन आती है, जो ही विभीषण ने लंका को त्यागा सभी राक्षस आयुहीन हो गए, तो यानी जब तक संत है तब तक उनको उनको बचे हुए उनके संत के प्रभाव से बचे हुए, लेकिन जब जूते पड़ते हैं जब संत को वो कष्ट पहुंचाते हैं भक्त को कष्ट पहुंचाते हैं तो उनके पुण्य शीघ्र खत्म हो जाते हैं, और उनके पुण्य शीघ्र खत्म तभी तो प्रभु नाश होएगा उनका, नहीं तो वो दुनिया के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, तो कैसे उनके अत्याचार को कम करे, एक काम करते हैं भक्त से बढ़ा देते हैं, तो भक्त परेशान होता है दुखी होता है, प्रभु नाम जप के मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके आगे से कथा जरूरी है, कोई कथा दृष्टि देती है हमको सही चीज समझने में कि भाई बैठे बैठे क्यों आ रही, क्योंकि ये भगवान की बहुत बड़ी योजना है कि भाई आपको टोटल शरणागत करना, आपको दीन भाव ले आना आपके अंदर, सहन शक्ति बढ़ाना, नहीं तो हम सहन नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर कई बार अभिमान आता है, मैं तो खूब माला करता हूँ मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, वो अभिमान ना आए कि भी लोग कहेंगे देखो जी तू तो सौ सौ माला करता फिर भी तेरे पे कष्ट आ रहे हैं, वो कष्ट कर्म से नहीं प्राप्त करे, वो भगवान की इच्छा से प्राप्त हो रहे हैं, ताकि आपके अंदर दीनता बनी रहे, आप अपने को असहाय महसूस करते रहो और मेरे प्रति शरणागत रहो, ये कर्म नहीं भोग रहे हम, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हमारी अहम को तोड़ रहे हैं कि थोड़ा भी अहम आपके अंदर ना रहे, अपने भजन का भी अभिमान ना आए, इसलिए प्रतिकूलता आती है, आपके अंदर सहन करने की शक्ति बढ़ा देते हैं भगवान, आप सहन करो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इंसान वास्तव में अपने को असहाय महसूस करना शुरू करता है, तब यही तो भगवान चाहते कि वो करे और दुष्टों का शीघ्र नाश हो जाए, और होता भी है उल्टा, आपको दया आएगी यार मैंने तो कुछ किया नहीं, उस बेचार को कितनी तकलीफ आ गई, क्यों आई, क्योंकि अगर आप सजा देते या आप सोचते मैं करता हूं तो शायद आप सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप में क्षमता नहीं है बुराई का नाश करने की, लेकिन जब भारी नाम भगवान के सिर पे छोड़ते हो भगवान ऐसे उसकी हालत उसको लाचार करते हैं, आपको तरस आना शुरू हो जाता है उसके प्रति कि यार ये कितना दुख भोग रहा है, तो ये भगवान की ऐसी अरेंजमेंट होती है, हमको ये चीज समझनी है, इसलिए हमको ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा चल रही है कि जो भी परिस्थिति में हमें रख रहे हैं हम इसको समझ नहीं पाते, इसलिए कहते हैं शुद्ध साधु संग करो कथा सुनो, कथा से आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा जो बैठे बैठे हमारे जीवन में आ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो जी। प्रभु जी मैं ये कह रही थी जैसे आपने कहा कि भगवान जो दुख देते हैं मतलब जो कष्ट देते हैं उसमें आप दीन होते हैं, पर प्रभु जी कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि उसमें भजन छूटने लगता है, आपको कुछ शारीरिक कष्ट ऐसे होते हैं कि भजन नहीं हो पाता। सही बात है, भगवान आपको हाईएस्ट प्रेम देने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी परीक्षा नहीं लेंगे कि आप कितने दृढ़ हो, क्या इतनी आसानी से प्रेम दे देंगे आपको, आप बोलोगे कई लोग आपको बोलेंगे क्या फायदा भजन करके, तो आप अमित आपसे अच्छा भजन नहीं करते फिर भी हमको कोई कष्ट, आप भजन को फिर भी कष्ट आ रहा है इससे अच्छा नहीं करते, तो लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो आपकी स्थिति बहुत ऊंची, आप भजन कर रहे हो आपके कर्म नष्ट हो गए, भगवान ने आपको प्रेम देना है, वो ये देखना चाहते हैं ये प्रेम का अधिकारी है कि नहीं, अगर आप विचलित हो गए तो मतलब कि आपका प्रेम है ही नहीं भगवान से, आप इसलिए कहते हैं चाहे प्रभु मुझे स्वीकार करे चाहे मेरा त्याग करे, तो ये अष्टम याम ये पढ़ लीजिए अपना दम ये अपना शिक्षाष्टकम आशीष पादतम, उस पर गोपियां क्या बोलती है, चाहे आप मुझे स्वीकार करो चाहे मुझे त्याग करो जो भी करो, लेकिन मेरे सर्वस्व आप ही हो, भरत जी क्या बोलते हैं चाहे मलिन मन जानकर मेरा त्याग करें चाहे स्वीकार करे, प्रभु की जूतियां ही मेरा सब कुछ है, मन को नहीं छोड़ूंगा, तो भक्त के तो ये भाव होते हैं,
क्योंकि आप क्योंकि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो ये चीज की परवाह नहीं करता, मुझे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, वो ये देखता कि बस मैंने अपने स्वामी को प्रसन्न रखना है, मेरे स्वामी की प्रसन्नता ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जहाँ पे ये बात आ जाती है मुझे क्या मिल रहा है, सुख का दुख मिल रहा है, तो ये तो स्वार्थ है। ये स्वार्थ हमें प्रेम, ये स्वार्थ तो है जो प्रेम बिल्कुल नहीं, हम प्रेम से कोसों दूर है। अगर ये विचार हमारे मन में आ रहे मुझे क्या मिल रहा है, क्या फायदा, हम फायदा के लिए नहीं, हम भगवान के अंश है, अपने स्वामी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ये बात याद रखना। वो उन्होंने आपको सबसे ऊंची स्थिति देनी है प्रेम, आपको निजी सेवा में नियुक्त करना है, उसके लिए उनको परीक्षा लेनी है कि आप उनसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। नहीं जी कष्ट आ रहे छोड़ो, नहीं करते वही अच्छा है, किसी और मंत्र का जप कर ले, किसी देवी देवता की पूजा कर ले, उसे तो तुरंत फल मिल जाता है। तो यानी आप तो छले गए, आपको ठगा गया है। आप ये नहीं सोचना कि आप कर्म भोग रहे हो, क्योंकि जो इंसान शरणागत है, खूब हरिनाम कर रहा है, दो तीन लाख हरिनाम कर रहा है, वो उसके जीवन में जो स्थिति आ रही है भगवान की इच्छा से आ रही है। ये बात याद रखना, उथल पुथल आ रही है भगवान की इच्छा से आ रही है, आपके मन को विचलित होने नहीं देते। और भक्त कभी भी स्वार्थ की बात नहीं करता कि मुझे क्या है, क्योंकि जहाँ पे स्वार्थ आ जाता है वो प्रेम है ही नहीं, उसका एक ही उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को सुख पहुंचाना। उसके सुख पहुंचाने के चाहे मुझे सैकड़ों कष्ट उठाने पड़े, वो कष्ट भी सुख के कारण है, क्योंकि जिससे प्रेम करते हो तो उसके लिए आप बहुत कष्ट उठा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे कि बस उसको मेरे खुश करना है, जिसको मेरा प्रेमी है, बस चाहे मुझे उस कष्ट भी आपको आनंद आएगा। तो ये स्थिति होती है, हमको चीज समझनी है। अगर हमने जहाँ पे सोच लिया कि मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो ये स्वार्थ आ गया, तो वो प्रेम नहीं है। यानी आपको और साधु संग करना है, लंबे समय नाम करना है, कथा सुननी है, पढ़नी है, वो प्रेम के अवसर, प्रेम में स्वार्थ नहीं देखा जाएगा। ठीक है ममता, समझ आ गई? हाँ ममता, यस ओके प्रभु जी। अच्छा समझ में बात आ गई प्रभु जी। अच्छा हाँ जी okay ha sorry hare krishna prabhu ji just my question was is you know the hum parents hum log bolte hain ki bhagwan hamare parents hai to bhagwan parents kabhi usko badak ko kasht nahi dete hain na nahi bhagwan kasht nahi dete hain lekin bhagwan aapke man ko sansar mein ghusne bhi nahi denge ye baat bhi yaad rakhna भगवान नहीं चाहेंगे कि आपकी आसक्ति संसार में रहे, वो चाहते हैं आपकी आसक्ति मेरे पे रहे। ये तो आप डिपेंड होते रहते हो लोगों के ऊपर, भगवान पे निष्ठा नहीं है, ये तो हमारी दुर्बलता है। भगवान बताते हैं मेरे अलावा तेरा कोई नहीं, सभी लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, और धोखा तो हम खाते ही हैं रोज किसी न किसी, जैसे जैसे हम चाहते हैं कोई करे वो हमारे अनुसार नहीं चल पाता या नहीं कर पाता, वो धोखा ही तो, चाहे उस पर क्षमता ना हो, चाहे वो कोई मजबूरी हो, लेकिन नहीं कर पा रहे ना, धोखा ही तो खा रहे हैं। भगवान कहते निष्ठा मेरे प्रति क्यों नहीं रखते हो, मेरे प्रति रखो ना। बात है कि हमने अपने आप को शरीर माना है, और शरीर के नाते हम मानते हैं कि मेरे संस है, ये भूल जाते हैं कि सब कर्म अनुसार है, चाहे माता चाहे पिता चाहे पति या पत्नी या पुत्र या पुत्री, सब कर्म अनुसार आए हैं, और आपका हिसाब किताब कर्म भोगे चले जाना है। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये हमें जीवा तो मेरा हाथ मेरा पैर मेरा शरीर, मैं शरीर से भिन्न, कोई ये नहीं बोलता मैं हाथ मैं पैर, तब कहते मेरा, यानी मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, ये बात हमको अपने दिमाग पे घुसानी है। ओके थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी टेल मी। हरे कृष्णा, आपने बोला था कि हम उसको भगवान का नाम सतत लेना हो दुख में भी, लेकिन नरसिंह मेहता वो सब लोग थे उसको तो बहुत दुख आए थे और इन सबको, लेकिन हम आम लोग हैं तो हम तो इतना सहन नहीं कर सकते कभी कभी। अच्छा मुझे बता कौन से भक्त को कष्ट नहीं आए, क्या पांडव को कष्ट नहीं आए? तो आप भी भजन करो, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, इससे तो कथा जाप है, कथा दृष्टि दे रही है आपको, कथा तो आपको दृष्टि दे रही है, जो आपको दुख के स्थान पे सुख की अनुभूति हो रही है, आपको भगवान बहुत अच्छा किया जो किया आपकी, अगर आज तो आपकी संसार में आसक्ति कभी खा। अच्छा सुख और दुख की परिभाषा क्या, पहले समझो हम सुख और दुख किसे कहते हैं। सुख और दुख मन की स्थिति है, मेरे मन के अनुसार आप चल रहे हो तो मैं अपने आप को सुखी मानता हूँ, मन के अनुसार नहीं चल रहे हो तब मैं आपको दुखी मान रहा हूँ, यही सुख और दुख की परिभाषा है।
तो मन तो बदलता रहता हमारा रोज, कभी कुछ कभी किसी चीज में सुख पाते किसी में। अगर मेरा मन भगवान में लग गया तो मुझे कोई कैसा, अभी उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, उसने मेरे को हेलो नहीं बोला, तो इस बात को लेकर हम दुखी होते, मेरी बात नहीं सुनता, ये सारा मन का खेल है। हम क्यों चाहते हैं कि लोग मुझे प्रणाम करें, लोग मुझे बुलाएं, लोग मुझे आदर दें, लोग मुझे ये करें, यानी इतनी संसारी कामना है। तो भगवत कामना कहाँ है मुझे बताओ, क्या भगवत कामना होने के बाद क्या ये सकती है? अरे कामना तो एक एक ही, भजन कैसे बढ़े, तेरा प्रेम कैसे बढ़े, तेरी प्रीति कैसे बढ़े, तेरी सेवा कैसे बढ़े, ये कामना हमारे अंदर होनी चाहिए। तेरी और कथा सो, नाम जप करो, ये कामना होनी चाहिए। तब इससे तो भगवान दुख का कारण क्या है, लोग नहीं, हमारा अपना मन है। जैसे जैसे एक एक मोबाइल है, वो मोबाइल एक जड़ वस्तु है। मोबाइल अगर मेरा टूटता आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी उस पर अटैचमेंट है, मुझे दुख लगता है। तो यानी मुझे पता होना चाहिए ये जड़ वस्तु है, इसे आज नहीं तो कल टूटना है, खराब होना है। तो मैंने उस पर आसक्ति क्यों जोड़ी, क्योंकि मैंने आसक्ति जोड़ी इससे मैं दुखी हो रहा। नहीं आसक्ति जोड़ता तो क्या मैं दुखी हो सकता था? तो दुख कौन दे रहा, मेरा मन मुझे दुख दे रहा। अगर मेरा मन कृष्ण में लग गया, क्या फर्क पड़ता कोई मुझे हरे कृष्णा बोले ना बोले, बुलाए ना बुलाए, देखे ना देखे, जो मर्जी करे, मैं कभी दुखी हो सकता हूँ? दुखी हो ही नहीं सकता हूँ। तो हमने अपने आप को चेंज करना है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात मेरी? हेलो हरे कृष्णा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ प्रभु जी, मुझे प्रभु जी हाँ बात तो सही है, लेकिन बड़ा कठिन लगता है कभी कभी। कभी कभी आसान क्या लाइफ पे, लाइफ पे आसान क्या चीज है? इसके कहते हैं भगवान में अटैचमेंट बढ़ाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कथा ज्यादा सुनिए, जाप करिए, ये चिंता करो मेरा प्रेम कैसे बढ़े, मेरी रुचि कैसे बढ़े भगवान में, ये हमको चिंता होनी चाहिए प्रभु जी। लेकिन कभी कभी दुख, हाँ कभी कभी कष्ट होता है, दुख होता है, तो भगवान के ऊपर से विश्वास कभी। मैंने कहा ना, दुख का कारण आपका मन है, आपका मन संसार में लगा हुआ है, इसलिए आप दुख की अनुभूति कर रहे हो प्रभु जी। हाँ तो अगर आपका मन भगवान में लगा होता, क्या दुख की अनुभूति होती थी आपको? उसने मेरी निंदा की, आपने ध्यान दिया, आपको दुख लगा। मन अगर भगवान में लगा होता, कोई गाली देके भी आपका ध्यान नहीं गया तो दुख लगता था? हमारा ध्यान भगवान को छोड़ के सब जगह पे है। ये पूरा आध्यात्मिक मार्ग लोगों को चेंज करने के लिए नहीं है, लोग चेंज होने वाले नहीं है, हमने अपने आप को चेंज करना है। भगवान की कथा में अपने आप को अटैच करके, मग्न करके, भगवान के नाम में अपने को मग्न करके रखना है, तब हम सुख और दुख से परे होंगे। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, सुख और दुख हमें महसूस होता रहेगा। वास्तव में सुख दुख मन का खेल है, मन की स्थिति है। वास्तव में कुछ कोई रोग हो जाए तो वो अलग बात होती है, वो 5% प्रॉब्लम होती है, 95% प्रॉब्लम मन से जुड़ी हुई है। मेरी अटैचमेंट है लोगों के प्रति, लोग मेरे अनुसार चले तो खुश, नहीं चलते तो मुंह चढ़ जाता है, गुस्सा आता है, दुखी हो जाता है, तो सारा कसूर हमारा है। मेरे अंदर सारी कामना है, लोगों को बातों को महत्व देते, उसने मेरे को क्या बोला, क्यों मेरे को गाली, क्यों निंदा की। भगवान की वाणी को महत्व कोई नहीं देता, वाणी का कीर्तन कोई नहीं करता, हमें लोगों ने क्या कहा वो चीज याद है। 20 साल हो गए साले, तभी वो मर भी गया, अभी भी हमको याद है, दुखी होते हैं। लेकिन भगवान की कथा मैंने आधा घंटा पहले की, वो याद नहीं है, क्योंकि हमारा मन भगवान में नहीं, हम कथा को कीर्तन नहीं करते हैं, इसी कारण से लोगों की बातों का कीर्तन करते हैं। लोगों भगवान की कथा का, संतों का कीर्तन करेंगे तो दुख नहीं हो सकता आपको। ओके थैंक यू। हरे कृष्ण। देयर आर नॉट एनी सिनफुल एक्टिविटीज कमिटेड बाय माइंड स्पीच एंड बॉडी दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय चैंटिंग द नेम ऑफ गोविंद इन कलयुग। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई पाप नहीं है जो मन वाणी और शरीर से जो हमने किया है उसका नाश नहीं हो सकता गोविंद के नाम के द्वारा। यानी कलयुग के अंदर एकमात्र गोविंद का नाम है, हरे कृष्ण मंत्र है जो सारे, यानी भगवान का नाम है, राम नाम है, गोविंद का नाम हरे कृष्ण है, जिसका जाप करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऑल डिजीज बिकम वैंक्विश बाय चैंटिंग द होली नेम। सारे रोग हमारे दूर हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग होए, चाहे हृदय का रोग होए। हृदय का रोग क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, कामना, लोभ, प्रतिष्ठा की कामना, प्रशंसा की कामना, अहंकार, ये हृदय के रोग है।
और शारीरिक रोग है ये क्यों आते हैं? केवल पाप कर्म के कारण आते हैं। नाम का सेवन करने से आप खूब हरिनाम भौतिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं और हृदय के रोग भी आपके दूर हो जाते हैं। बात है कि हमको जाप करना सीखना चाहिए, हमें जाप कैसे बढ़ाए, कैसे भगवान बार बार कथा सुने, जाप की संख्या बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए, मिनिमम 64 माला कोशिश करो, जब 64 पे आ जाओ अब मैं 80 करो, फिर 96 करो, फिर 128 करो, फिर धीरे धीरे कोशिश करो, कभी ना कभी 5 साल 10 साल 12 साल पर 192 तक आ जाओ, आओगे। कृष्णा हेल्प करते, राधा रानी हेल्प करती है, क्योंकि राधा रानी मूल गुरु है, नित्यानंद प्रभु बहुत हेल्प करते हैं हमारे को, क्योंकि वो देखते हैं कि जीव अगर भगवान की ओर जाना चाहता है वो उसकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। किसी संत को भेजेंगे, कथा का आयोजन कराएंगे, कुछ ग्रंथ ऐसा आपके सामने पाठ करवा देंगे जिससे आपकी सहायता होगी आगे बढ़ने में। जैसे आप लंदन बैठे हो, मैं बॉम्बे बैठा हूँ, इतने दो साहब नाम की महिमा सुन रहे हो, हम किसी को जानते नहीं है, फिर भी आप हम कथा सुन रहे, तो ये कैसी व्यवस्था करे? ये सारा अरेंजमेंट राधा रानी के द्वारा किया गया अरेंजमेंट, और कुछ नहीं है, क्योंकि वो दयालु, क्योंकि इतने लोग जो सुन रहे हैं, अगर उनके सबकी इच्छा थी कि सबके कर्म एक जैसे थे, भगवान को प्रेम प्राप्त करना चाहते, उनको मिलाया है, मिला के उनसे हरिनाम करवाना चाहती राधा रानी कि सब निकल जाए। ये सिंसियर लोग है, हमको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंसियर सोल्स को स्वयं राधा रानी भेजेगी आपके पास और आप उनका उद्धार करेगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अरेंजमेंट करती है। तो कहते हैं कि और आपके भौतिक और मानसिक रोग सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने लोगों के, मैंने कई बार बताया कि लोगों के बड़े बड़े रोग है, कैंसर तक ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, जिनके 600-700 थी, जिनके पैर की उंगलियां कट गई थी वो भी ठीक हो गया है, ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो गई है, माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, सारे बड़े बड़े रोग हम देखा नाम के द्वारा ठीक हो गया। साल 1.5 साल 2 साल लग सकता है, लेकिन गारंटी आप ठीक हो गई हो गए। जैसे जैसे भजन की प्रबलता बढ़ेगी आपको तुरंत उससे हिसाब से लाभ मिलना शुरू होगा। इंसान जो भी दुख पाता है या रोग प्राप्त करता है वो अपने पाप कारण के पाप के कारण प्राप्त करता है, ये बात हमको समझनी चाहिए। और डिवोटिस फ्रॉम स्थानेश्वरी, आई टेल यू बाय चैंटिंग द होली नेम ऑल डिजीज बिकम वैनक्विश्ड, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द शास्त्र। यानी हरिनाम करने से, होली नेम करने से सारे रोग दूर हो सकते हैं, शारीरिक रोग और मानसिक रोग। हमने तो यहां तक देखा है, लोग कई सालों तक कोमा में रहते हैं, मौत नहीं आ रही होती है, यानी पाप इतने प्रबल है कि मृत्यु तक उनके पास आने की डरती है, तो कैसे होएगा उनका? घर वाले परेशान थे, हॉस्पिटल में पैसा नहीं होता देने के लिए, घर वाले सेवा नहीं कर पाते हैं, तो बोलते क्या करो, हम केवल जाके 2 माला करते हैं, 1 माला 2 माला या 4 माला करके आते हैं, ये पुण्य उनको अर्पण करके आते हैं कि भाई इसका फल उनको मिले। उसके बाद हम देखते हैं विद इन 24 आवर्स, या किधर 6 घंटे में, या किधर 2-3 घंटे में, या किधर 8-10 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप बोलोगे कि भाई वो तो होना ही था, होना था, लेकिन इतने साल से क्यों नहीं, इतने महीनों से क्यों नहीं हुआ, इतने दिनों से क्यों हुआ? जब हरिनाम, मैंने मृत्यु के लिए भी इंसान को पुण्य चाहिए होते, बिगैर पुण्य के मृत्यु भी नहीं आती है, तो हरिनाम करने से उसको पुण्य मिला, इससे उसको मृत्यु प्राप्त हुई है, ये बात हमको समझना चाहिए। तो और हमने यहां तक देखा है कि समझो, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मुझे टाइफाइड और मलेरिया हुआ था, तो मैं एक एग्जाम्पल से, बहुत से एग्जाम्पल है देने के लिए, लेकिन मुझे कथा करनी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो उसमें 3 वीक्स बेड रेस्ट होता है कम से कम, डॉक्टर ने कहा था, तब मैं 64 राउंड नहीं करता था, तो मैंने सोचा कि चलो अगर अब मुझे हो गया तो मैं 64 मार का, मैं घर पे ही, कुछ काम तो है नहीं, मैंने करना शुरू किया। अब विश्वास को 5th डे पे मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, सब ठीक हो गया, विशाल चला गया फिर से। अरे वो चल रहा है अंकल, ठीक है, लेकिन एक मिनट, मेरे को, मेरे सामने सब स्क्रीन हट गया, एक मिनट रुक जा, ठीक है ओके। हरे कृष्णा। तो हमने खुद देखा है कि
इंसान मैंने जब हरिनाम किया पांचवे दिन में मैं ठीक होके ऑफिस जाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं आती है, आप भगवान की दया से अब तो ठीक रहो। तो यानी मुझे एक महीना बिस्तर पे रहना चाहिए था, लेकिन भजन बढ़ाने से मैं 5 दिन ही बिस्तर पे रहा। अगर मेरी भजन की प्रबलता और होती शायद मैं 1 दिन भी नहीं रहता। तो ये सारा खेल था कि मेरे कर्म तो थे भयानक, लेकिन भजन से वो शांत हो गए हैं। तो इंसान को अपने भजन से अपने कर्मों को शांत करना है। कोई किसी को दुख नहीं देता, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से वो दुख प्राप्त करता है, दूसरा माध्यम हो सकता है। इसलिए अपना भजन बढ़ाओ, उससे कहेगा आपके कर्म शांत होंगे, हृदय भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर नहीं तो हाँ बोल हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि प्रभु जी इतना नाम जप करने के लिए फिर आप संसार के काम फिर आपके रुक जाते हैं प्रभु जी, इतना नाम जप फिर आपको पूरी तरह से फिर काम छोड़ के बैठना पड़ेगा प्रभु जी। अच्छा तो क्या काम नहीं करी मुझे बता। आपका नाम जप और काम साथ में चल सकता है, लेकिन कुछ काम में आपका नाम जप साथ में नहीं चल सकता, तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सुनो, आप काउंटर पे जप कर सकते हो, उंगली पे जप कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या करने में आपको? मैं थोड़ी बड़ा कि हर वक्त माला लो, काउंटर पे करो, उंगली पे करो। जैसे कि कुछ चीजों में आपको सोचना पड़ता है, बात प्रभु जी हाथ में लेने की नहीं है, आप कुछ काम करने के लिए आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अगर नाम चलेगा तो फिर आप वहां पे फोकस नहीं। अच्छा, कर पाएंगे। अच्छा अगर 15-20 मिनट नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटा नहीं किया तो क्या हो गया? आपके पास 24 घंटे हैं, तो तेरा फैमिली है, उसके बावजूद तो भजन करी ना, तेरे बच्चे भी है, हस्बैंड भी है, सब उसके बावजूद तेरा भजन हो रहा है ना। प्रभु जी इतना भजन नहीं होता जितना आप कहते हैं, मेरा भजन तो सिर्फ नाम मात्र का धीरे, होता धीरे, है। धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे। ममता मैं बार बार कह रहा हूँ, पेशेंस रखो, कथा सुनो और जाप करो, हर चीज धीरे धीरे होती है, एक ओवरनाइट सब कुछ नहीं होता, हर चीज धीरे धीरे होगी। पेशेंस धैर्य धारण करना पड़ेगा, साधु संघ कर कथा सुनिए, भगवान अरेंजमेंट करेंगे, भगवान भी देखते हैं कितना सिंसियर है, वो स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, मैं खुद बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी को एक ऐसा डिपार्टमेंट देगा काम के लिए कि वो एक काम करता था, उसको ज्यादा समय नहीं मिलता, वो जाप करने का प्रयास करता, खूब प्रयास करता, जाप करता था, जितनी उसकी क्षमता वो करता था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे कैसी व्यवस्था करो कि मैं तो जाप कर सकूं। भगवान ने जो कैसा उसके अरेंजमेंट है, उसको ऑर्डर आ गए ऑफिस, और वो जो ट्रांसफर ऑर्डर है उस स्थान में आए कि जाप उसको ज्यादा काम नहीं, ज्यादा वैल्यू नहीं, लोग उसका भले ज्यादा पूछ रहे, लेकिन उसका भजन के लिए तो समय मिल गया। भगवान ने उसके लिए वैसी अरेंजमेंट कर दी, जो पहले जितना व्यस्त होता अब उतना व्यस्त ही हो रहा। अगर जीव सिंसियर है, कृष्ण देखते ये कितना स्ट्रगल करा है, ये वास्तव में हृदय से चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर वो चाहता है तो वो आपको ऐसी या नौकरी से हटवा देंगे, या आपको कैसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा देंगे जहाँ पे आप भजन कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था भगवान करते हैं। ये मैं अपने जीवन से मैं अनुभव कर, हमें उस वक्त लगता है यार देखो ना मैं इतनी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में था, मुझे हटा के इनसिग्निफिकेंट कुछ डिपार्टमेंट में डाल दिया, लेकिन क्यों, कोई तनख्वाह कम नहीं हुई, पोजीशन कम नहीं, क्या हुआ, उल्टा मेरा भजन बढ़ गया, भगवान ने मेरी व्यवस्था कर दी। वैसे तो आपकी सिंसे भगवान देंगे प्रेम, सब कुछ देंगे, लेकिन वो ये भी देखेंगे तो कितनी तेरे अंदर चाह है, कितना तू स्ट्रगल करिए मुझे प्राप्त करने के लिए। आप ये भी देखेंगे, एकदम आसानी से नहीं मिलेगा, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी और तड़फना पड़ेगा। जब तू तड़फेगी तेरे को कृपा अवश्य मिलेगी। भगवान देखते हैं कितने समय तक मैं इसको इस परिस्थिति में देखता, देखते हैं भजन करते के छोड़ते के बीच फिर भी आप अपनी परिश्रमता का खूब करो तो कृपा मिलती मिलती है। अगर नहीं भी कर पाए, अगर आपने प्रयास किया है ना, तो भी भगवान कृपा करते। जैसे जटायु सीता जी को बचा सका, नहीं बचा सका, उसके पंख कट गए, क्या हुआ? अगर किसी ने पूछ दिया जटायु से क्या फायदा हुआ सीता जी को बचाने का, भक्ति सीता भक्ति स्वरूप, भक्ति को तो बचा पास किसको कर सका, नहीं जाता वही अच्छा था, तो कहता बहुत अच्छा हो गया मेरे पंख कट गए, क्या हो गया, अगर पंख होते तो मैं मुझे उड़ के अयोध्या जाना पड़ता, पता नहीं प्रभु के दर्शन कैसे होते, प्रभु जब महल से बाहर तब दर्शन होते, थोड़े समय के लिए होते, कुछ क्षणों के लिए होते या नहीं होते, प्रतीक्षा करनी पड़ती तो, और अयोध्या जाने का बहुत दिन लग जाते, और महल के अंदर तो गीत को तो कोई अलाउ करता नहीं है कोई महल के अंदर, तो प्रभु के दर्शन होते नहीं होते। पंख खट गए, असमर्थता आई, तो प्रभु चल के मेरे पास आए। प्रभु ये देखते हैं
आप वो भक्ति को नहीं बचा सका। लोग ये कहेंगे कि देखो सीता बचा तो नहीं सका, क्या फायदा हुआ। लेकिन यह असमर्थता का जब बोध आता है तब प्रभु की कृपा मिलती है, प्रभु आपके पास चल के आते हैं, आपको प्रभु के पास जाने की जरूरत होती। अच्छा, सारे वानर लोग सीता जी की खोज में गए, लेकिन सीता ही कौन पहुंच सके, केवल हनुमान जी पहुंचे, बाकी तो नहीं पहुंचे। सब पे पूर्ण कृपा हुई क्योंकि सबने अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास किया है। तो भगवान जीव के प्रयास को देखते हैं, उसके सिंसियरिटी को देखते हैं। भले आप 64 ना भी कर पाओ, मैं मानता हूं, लेकिन जो समय आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अगर 40-50 भी करो बिगैर टाइम वेस्ट करें, अभी इसका मतलब नहीं कि आप कपट का आश्रय ले लो कि हम इतना ही करेंगे। हमें तो प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक माला करने का, 2-3 लाख हरिनाम करने का। लेकिन नहीं भी कर पाते हो, 70 माला 75 नहीं ज्यादा हो पा रही है, आप क्षमता नहीं परिस्थिति है, फिर भी आपको पूर्ण कृपा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि भगवान जीव के प्रयास को देखते हैं, रिजल्ट उनके हाथ में है पहुंचना। अच्छा, पूछा गया गरुड़ को कि आकाश कितना बड़ा है, वो 2 साल घूम गया, कहते हैं आकाश का अंत नहीं है। मक्खी से पूछा गया आकाश कितना बड़ा है, वो 1 घंटे में कह दिया आकाश का अंत नहीं है। जो सत्य जानने को उसको 2 साल लगे, मक्खी ने 1 घंटे में जान लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे असमर्थता और भगवान के प्रति शरणागति, ये सबसे बड़ी बात है। तो बस उधर ही कृपा मिल गई है, असमर्थता, बाकी आपने असहाय टोटल हेल्पलेस कंडीशन में अपने आपको होना है। तो इसलिए चिंता मत कर कि भाई मेरी नहीं हो पा रही, कहने का भाव क्या कि आपका एक क्षण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक क्षण भी वेस्ट नहीं। मेरा भाव वही है, हरि नाम करते जाइए करते जाइए, प्रयास करिए। बाकी लोग कर सब सकते हैं, जीव का आलस है और मूड फ्लक्चुएशन होती है इसलिए वो नहीं करते हैं, बात यह है, ऐसा नहीं। अच्छा, जब आप शुरू में क्या आपके लिए 16 माला मुश्किल थी, हमारे कितने इधर भक्त लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ तो बहुत से लोग तो 128 माला करते हैं, एक आध दो जो ऐसे जो 192 भी करते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, वो कैसे करे, उनके भी फैमिली है, उसके अंदर वो करते हैं भजन। बस वही है कि सिंसियरिटी है कुछ उनको, ये नहीं कि वो एक रात पे आ गए, कुछ 3 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, किसी को 7 साल लगे, उस स्थिति में आने को समय लगा। मैंने कहा इस स्तर तक उठना है, मैंने ये नहीं कहा कल उठो, कई 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 5 साल के बाद आए, कई 10 साल के बाद आए, कोई 7 साल के बाद, किसी को 6 साल लगे उस स्थिति में उठने को, उठे उठते सब है। इंसान की सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा ममता, क्लियर हो गए डाउट? प्रभु जी मुझे एक प्रश्न है। बोले साहब। जैसे अभी आपने जो जटायु का वृतांत बताया, तो जैसे दशरथ जो महाराज जो थे वो भगवान राम के पिता थे, और उन्होंने इतने ऑस्टेरिटी सीखने के बाद भगवान राम को अपना पुत्र पुत्र प्राप्त किया था, भगवान राम को अपने पुत्र की तरह। हाँ जी। और पर उनका जो मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु कौशल्य जी के गोदी में हुई, जब कि जटायु जो थे उन्होंने जब सीता जी को बचाया तो सीता जी भगवान राम ने उनको पिता का दर्शन दिया। माता जी आप बहुत सुन दो जरा। हाँ बोलिए। हाँ फिर बोलिए। हमता प्रभु तो जैसे हाँ, तो भगवान राम ने उनको पिता के जैसे दर्जा दिया, और भगवान राम के हाथों से उनका सब अंतिम संस्कार हुआ। हाँ जी। तो ऐसा क्यों हुआ दशरथ जी की और जटायु के बीच में ये डिफरेंस क्यों है कि जटायु को भगवान राम ने पिता का दर्जा दिया और उनका अंतिम संस्कार जटायु ने गोदी में उनके प्राण छूटे, उनका जटायु ने के भाव क्या थे, उसने सीता को क्या है पुत्री पुत्री का संबोधित किया, उसके भाव थे तो चिंता मैं क्या, मैं तेरी रक्षा करूंगा, पुत्री के भाव से उसको उसको प्रयास किया, भले सफल नहीं हुआ ये तो उसका स्पंग कट गए, शरीर छूट गया, तो भगवान आए, तो इसलिए उन्होंने भगवान ने उसको पिता का दर्जे की तरह उसका अंतिम संस्कार कर उसको गति दी। मतलब क्या कि जो भक्ति को प्रयास करने का या बचाने का प्रयास करता है, नहीं भी प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान की कृपा उसको मिलती है क्योंकि उसने सिंसियरली प्रयास किया। दशरथ जी को इसलिए वियोग सहना पड़ा क्योंकि उनकी कामनाएं बढ़ती जा रही थी। तो प्रभु का मैंने कहा ना कि प्रभु के वन जाने के कई कारण आते हैं, रामचरितमानस के अंदर 12-13 कारण कम से कम आते हैं, क्योंकि
उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरी एक ही लालसा है कि मैं राम का राज्याभिषेक देख सकूं और मेरे अंदर कोई लालसा नहीं। तो प्रभु ने कहा आज तक मैं तुम्हारी अभिलाषाएं पूरी कर सका करता रहा बचपन से लेकर अभी तक। जब जी छोटा होता है तो क्या बोलता है ये अभिलाषा है, तो कुछ और अभिलाषा होती है, फिर कॉलेज जाने की अभिलाषा होती है, फिर उसको नौकरी की अभिलाषा होती है, नौकरी के बाद विवाह की अभिलाषा होती है, फिर संतान की अभिलाषा होती है, संतान ऐसे उसकी अभिलाषा कभी खत्म होती नहीं है। तो प्रभु ने सोचा कि हर वक्त मैं जीव की अभिलाषा क्यों पूरी करूं, जब तक प्रतिकूलता नहीं आएगी तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि प्रतिकूलता भगवान देते हैं, वो प्रयास करता है और प्रयास में असफल बार बार होता है तब तो उसके मन में प्रतिकूलता आती, तभी तो उसके मन में वैराग्य आता, तभी तो उसका मन हटना शुरू होता है। और इसी कारण से वो उसका क्या हुआ कि प्रभु इसी एक मुख्य कारण यही था उनके वन जाने का, कारण और भी थे, भरत का प्रेम प्रकाशित करना, जब तक विरह नहीं होएगा वियोग नहीं होगा तो प्रेम कैसे प्रकाशित होएगा। अगर प्रभु से पूछा वन क्यों गए, कहते मैं तो भरत का प्रेम प्रकाशित करने के लिए गया, कई कारण है प्रभु के वन जाने के, एक ही कारण नहीं है। तो यहाँ पे उनके जिन में प्रतिकूलता वैराग्य उत्पन्न करना था, तो वो कहते हैं किसको कहते हैं कि कैके को, मेरा मुख मेरा मन तेरे मुख का चकोर हो गया, यानी जैसे चकोर चंद्रमा क्यों देखता, मेरा मन तेरे अधीन है, तेरे मुख क्यों देखता रहता है। प्रभु ने सोचा जब आपका मन मेरे लिए चकोर बन गया था, मैं आपके जीवन में आया, आज आपका मन किसी और के लिए चकोर बन गया तो मैं हट जाता हूँ। कौन इससे हटा, हम भी तो ईश्वर को हटाते हैं, आपका मन भगवान से हटा के किसी और लगाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कई बार अपने भक्तों को प्रतिकूलता इसी कारण से देते हैं ताकि उनको संसार की सच्चाई दिखाई दे और उनका मेरे में लगा। इससे जब प्रभु गए तब राम कहते कैके को, मैं तेरा मुख देखना नहीं चाहता हूँ, तो आंखों से ओझल हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना। जिस कैके को उन्होंने कोकिल बनी गज गामनी ये सारे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया था, आज उसकी शक्ल देखना चाहते क्यों, कहा गए उसकी सुंदरता, ये सारे शब्द लगाए गए कहा गए, क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि जीव तभी तक सुंदर लगता है जब तक राम होते हैं। राम जीवन से चले गए उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सदगुण प्रभु के होने तक ही रहते हैं जीवन में, ईश्वर चले गए तो सदगुण भी जीवन से सारे निकल जाते हैं। तो इसलिए आज उसको देखना नहीं चाहते, तब राम राम कहा। और दूसरी चीज, दशरथ जी ने जब शरीर छोड़ा तो उनके मुख से 6 दफा राम निकला, उनको स्वर्ग मिला, उनको धाम नहीं मिला प्रभु का स्वर्ग, क्यों, क्योंकि वह कामना लेके मरे थे, मैं पुत्र का राज्याभिषेक नहीं देख सका। इसलिए जब प्रभु युद्ध करके आते हैं अपनी लंका कांड के अंदर था, स्वर्ग से दशरथ जी आते हैं राम से मिले, तब प्रभु उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, उनका प्रेम और संबंध के हिसाब से उसके बाद उनको गति मिलती है, यानी उनको पहले क्यों नहीं मिली। यानी कहने का मतलब क्या है कि संसारी कामना लेके मरोगे तो आप संसार में आओगे, आओगे आप भले अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, पुण्य भोग के वापस आओगे। देखिए केवल प्रभु की कामना लेके मरोगे तब आपको परम गति प्राप्त होगी, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। इससे हमारे माधवेंद्रपुरी जब शरीर छोड़ने का समय आया तो क्या कहते, प्रभु ये शरीर रोगी हो गया, बेकार हो गया, असमर्थ है, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता। प्रभु इस शरीर को छोड़ा, क्यों छोड़ा, इसलिए कि मैं तेरे को नया शरीर मिले, मैं तेरी सेवा कर सकूं, मुझे दिव्य बारा दिन तेरी सेवा करना चाहता हूं। तो मृत्यु के लिए इस प्रकार उत्साहित है, क्यों, प्रभु की सेवा के लिए मृत्यु मरना चाहते हैं, ये शरीर क्या करूंगा जिससे शरीर सेवा नहीं होती। और हम क्या बोले, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मुझे बचा लो, क्या करोगे जी के जब आपका भजन नहीं हो रहा, भगवान की सेवा नहीं हो रही। तो भक्ति देखो कॉन्शियसनेस क्या होती है, मृत्यु के समय मुझे शरीर छुड़ाओ और मुझे दिव्य शहीदों में भगवान की सेवा करो। और हमारी कॉन्शियसनेस क्या होती है, मैं भोगना चाहता हूँ, मैं खा लूं, बेटे के दर्शन कर लूं, पोते के दर्शन कर लूं, पोती के दर्शन कर लूं, उसके दर्शन कर लूं, क्या है ये कामना लेके मरे हो जो तुम्हें दोबारा कभी मिलने वाले नहीं है, अनंत समय तक मिलेंगे नहीं, तुम उनका चिंतन करके मर के वापस संसार में आ रहे हो, कौन सी बुद्धिमानी का काम तुमने किया है, कौन सा अकल वाला काम तुमने किया है। होता है कि 6 महीने साल 2 साल 10 साल किसी ने मिलना है, अनंत समय तक हमको किसी ने मिलना नहीं है, पता नहीं किधर हमने होना है, कौन से शरीर में होना है, नरकों में कितने हजारों साल करोड़ों साल रहना है, भिन्न भिन्न योनियों में जाना है, उससे किधर जाना है हमें पता नहीं, मिलना नहीं कभी एक दूसरे को। तो हम उसका चिंतन करके मरे, प्रभु का चिंतन करने के बजाय गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण जी क्या करते हैं, मृत्यु के साथ जो मेरा चिंतन करके शरीर छोड़ता है उससे मेरी गति प्राप्त होती है। देव तो फिर 7वें अध्याय में कहते
देवताओं को पूजने वाले देवलोक पर जाते हैं, पितरों को पितरलोक पर जाते हैं, मेरा भक्त मेरा चिंतन करके मतलब मेरे धाम में आता है, मेरे धाम में आने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो क्यों आना चाहते हो, क्यों नहीं प्रभु का चिंतन करो? आप प्रभु का चिंतन कैसे होगा? अंत समय में उसके प्रति अटैचमेंट होगी, तभी तो प्रभु की याद आएगी। जिंदगी भर राम राम किया आएगा तो अंत समय मुख से राम ही तो निकलेगा। जिंदगी भर हाय है संसार के लिए, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए रोते रहे तो उस अवस्था में भी यही तो करोगे और क्या करोगे? तो सारी गलती हमारी है। देखो जब भगवान शरीर, जैसे आप कोई कंप्यूटर खरीदते हो या कोई टीवी खरीदते हो, मैनुअल दिया जाता है कि कैसे इसको चलाना है, ये तो कभी बटन दबाओगे तो सत्यानाश होएगा। उसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो मैनुअल देते, गीता भागवत रामायण मैनुअल देते हैं, पढ़ो जीवन को कैसे चलाना है, लेकिन हम उसकी उपेक्षा करते हैं, जैसा मर्जी चाहे दुरुपयोग करते हैं और बाद में दुखी होकर मरते हैं। इसलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं, ग्रंथों का आश्रय लिए, साधु संग करिए, कथा पढ़िए, जाप करिए, ताकि आपको लाभ हो, जीवन सुधर जाए आपका। ओके चाहिए प्रभु जी। हाँ बोलो जी, एग्जैक्टली राइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी अमोल प्रभु जी, समझ में आ गई? यस यस, ओके ओके। जागृति माता जी, आपको कुछ सवाल था क्या? आप कुछ बीच में बोल रहे थे। नहीं नहीं, तुमने क्वेश्चन पूछा तो मुझे नहीं सुनाई दिया, तो मैंने लीव कर दिया, फिर से जॉइंट हो गई। कोई बात नहीं, बाद में मैं सुन लूंगी, मैं भूल गई, रिकॉर्ड हो रहा है। Okay. I tell you by chant of Harinam all day when this is the staple of all the shab shastra ka hai ki harinam jab karne sare aapke rog sharirik aur hrudaye ke rog mansik rog sab theek ho jate hain. I tell you the truth, just chant in him achyutanand govind with faith, yani hari ke naam ko uchcharan kariye, dishtha se kariye, weep and call out in him aur shri madhusudan roiye, yani ye prem ki avastha mein hoga, naam jap karte 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 anarth kam hoenge, भगवान में प्रीति उत्पन्न होगी, तभी तो अश्रु आएंगे, हृदय पिघलेगा तो आर्टिफिशियल आंसू लाने की ज्योति हमको किसी को प्रदर्शन करने की ज्योति के हम भक्त हैं। कई लोग प्रदर्शन करते हैं, भगवान ने पूरे मानस के अंदर कहा, रामचरित मानस में एक ही चीज के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है, छल और कपट का त्याग करो। इन्हें ये नहीं कहा काम करो लो मोहम्मद अहंकार छोड़ के मेरे पास आओ। अगर जीव इनका त्याग कर सकता भगवान की जरूरत थी, उन्हें कहा छल कपट यानी अपनी कमियों को स्वीकार करो और मेरी शरण आओ, फिर विशेषता मेरी है, मैं तुम्हें कितनी जल्दी साधु बनाता हूँ। गीता में भी कहा अतिशय दुराचारी भी अगर मेरी शरण आता है तो मैं उसे बहुत शीघ्र से साधु बनाता हूँ। तो ये बात मानस भी कहती है और ये बात और भगवद गीता भी कहती है। तो कहते हैं जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है उससे करोड़ों जन्मों के पाप नाश होते हैं। सम्मुख हो बस करना, क्योंकि उसकी हमको कृषक है और मुड़ना है और कुछ नहीं करना है। देखो परछाई कब दिखाई देती है, आप ट्यूबलाइट के अगेंस्ट खड़े हो परछाई दिखाई देगी, तो आप परछाई को कैसे टर्न कर लो, अबाउट टर्न करना है, तो कितनी कितना मुश्किल है कि अबाउट टर्न करना। तो जैसे अबाउट टर्न किया तो परछाई लुप्त हो गई है ना, या ट्यूबलाइट के नीचे खड़े हो जाओ तो आपको अंधकार दिखाई देगा, परछाई दिखाई देगी, प्रभु की शरण आ जाओ तो कहाँ रहेगा प्रॉब्लम। हमको केवल अबाउट टर्न करना है और प्रभु के चरण शरणागत होना है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यह कि मेरा भजन कैसे नहीं हो रहा, ये हमारी प्रॉब्लम होनी चाहिए, कैसे प्रेम बढ़े, कैसे निष्ठा बढ़े, हमारी ये प्रॉब्लम। बाकी सारी प्रॉब्लम तुच्छ है, वो तो मिनटों में एक क्षण में साल हो जाती है। कितना भी अंधकार हो लाइट जलाओगे तो लाखों साल का अंधकार एक क्षण में दूर होता है, केवल ईश्वर के सम्मुख होने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सिर्फ सम्मुख होना चाहिए हमको, तो वीप एंड कॉल नेम श्री मधुसूदन बिकॉज बाय चैंटिंग लॉर्ड होली नेम वन डिजीज बिकम डिस्ट्रॉयड। कहते भगवान के नाम का जाप करिए, रोइए, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्त रोग नाश के लिए भजन ही करता, कहते प्रभु अगर मुझे रोगी रख के तेरे को सुख मिलता है तो मैं उसमें भी सुख हूं, मैं तेरा भजन नहीं छोड़ूंगा। भक्त कभी नहीं कहता प्रभु मेरा ये कर दे वो कर दे, कहते जो परिस्थिति में तू रखेगा मैं खुश हूं, मैं तेरे शरणागत हूं। भक्त के तो इस प्रकार के ऊंचे भाव होते हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते आपके भाव बनेंगे इस प्रकार के। तो हमें केवल छल और कपट का त्याग करना है, मैंने सरल बनना है। भगवान ने यही कहा कि छल कपट को एक्सेप्ट करो, मेरे में कमियां हाँ और मैं तेरी शरण आया, फिर भगवान ठीक करते हैं। वह छल और कपट का त्याग करो, जो नहीं है हम वो दिखाने का प्रयास करते हैं। सरल होना सबसे मुश्किल है, अपनी कमियों को हाँ मेरे में कमियां हैं मुझे सुधरना, ये सबसे डिफिकल्ट है। तुम्हारी भी कमियां आज कथा तुम्हारे लिए, तुमको सुधरना है, तुमको सुधरना,
सबको सुधार, लेकिन मुझे सुधारना नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। जैसे अरे कथा तो हमारे अपने लिए होती है, कथा हमें अपने आप को सुधारना है, हम छल और कपट करें इससे तो हमारा इलाज नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पूछा क्या बीमारी है, और डॉक्टर साहब कल ये खाया ये पिया इससे बीमारी, तो आपका इलाज होगा। कपट करोगे पता नहीं क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा। अगर इलाज नहीं हो रहा है तो आपका पेट पे कोई प्रॉब्लम है, वो आपको गले दर्द की या बुखार की दवाई दे रहा है, आपका इलाज बराबर है, ये डॉक्टर गलत है। डॉक्टर गलत नहीं है कि आपने कपट किया, आप कमियों को बोलते सब ये खाए इससे पेट पे तकलीफ हो गई इससे बुखार, तो आपका इलाज बराबर करता। छल और कपट का त्याग करो, सरल बनो, एक्सेप्ट करो अपनी कमियों को, फिर देखो भगवान कैसे आपको शीघ्र साधु बनाते हैं। और सरल बनना ही सबसे कठिन है, लोग मानना नहीं चाहते अपनी कमियों को, स्वीकार नहीं करना चाहते, लोग चेंज नहीं होना चाहते हो, मैं ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही रहूंगा, आप ऊंची अवस्था में चेंज, अरे ऊंची अवस्था में नहीं हो लेकिन प्रयास तो कर सकते हो भजन के द्वारा उठने का, उसका भी अभिमान में ऐसा ऐसे ही रहना। अब क्या करोगे, लोग ऐसे ही अब अभिमान लेके हम तो ऐसे ऐसे रहेंगे, रहो फिर रहो, दुखी रहो, रोना आपने दुख आपने भोगने हैं, हम क्या हम उठाने का प्रयास करें समझाने का प्रयास, आप समझना ही चाहते उठना चाहते, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हर चीज का अभिमान है, अपनी जो कमियां उसका भी अभिमान है, आप मेरे अंदर है तो सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा, उसका अभिमान लेके बैठना। Because by chanting the name of Lord, one disease becomes destroyed. By chanting the holy name, a great sinner becomes qualified to sit in the among saintly person. Harinam jab karne se insan itna shuddh ho jata hai ki sant unko apne paas bithate hain. Jis nishad raj ko koi sparsh nahi karna chahta tha, usi ko bharji gale lagate hain aur vashish ji bhi gale lagate hain. Vashish ji jo brahmano mein sarvashreshth mane jate hain, ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, और वो एक निषादर को ले, क्योंकि राम के प्यारे को ही गले लगाना चाहिए, राम सखा को ही गले लगाना चाहिए, ये होता है, वो इतना श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि भक्ति के द्वारा। कहते ये भजन का प्रभाव है, कहते जिनका स्पर्श करने से, जिसकी छाया का स्पर्श कर इंसान को स्नान करना पड़ता है, आज वही भजन का प्रभाव देखो कि देवता उसकी गुणगान कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, और भरत जी गले लगा रहे हैं, वशिष्ठ जी गले लगा रहे हैं, ये प्रभु के भजन का प्रभाव है। इंसान कितना भी बेकार हो, थर्ड क्लास हो, अगर वो नाम का आश्रय लेता है, रात दिन हरिनाम करता है, उसके अंदर सारे सदगुण आ जाते हैं, वो प्रशंसनीय हो जाता है और सबसे संतों के सबसे आगे बैठे का अधिकारी हो जाता है। इफ इवन अ ग्रेट सिंफुल पर्सन सिंग द होली नेम ऑफ हरि डे एंड नाइट, अगर पापी से पापी, प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, निषाद राज का क्या स्टोरी है? जैसे निषाद राज का तो जब भगवान वनवास में जाते हैं तब से निषाद राज के बारे में जानकारी मिलती है ना, हाँ जी, वो रास्ते में उधर मिलते हैं, तो उनकी कैसे भक्ति हुई? हाँ, निषाद राज भगवान की सेवा करते हैं, उनके प्रति प्रेम होता है और उनकी सेवा करते हैं, उसी सेवा से तो भगवान उन पर रीछते हैं, और उनका पूर्व जन्म इस प्रकार है, वो वशिष्ठ जी के पुत्र थे, वशिष्ठ जी के पुत्र थे, जी हाँ। तो जब वशिष्ठ जी के द्वारा श्रवण का वध हुआ, ब्रह्म हत्या हुई, तो वो आपके गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास ब्रह्म हत्या से निवारण होने के लिए। जब आपके गुरु के पास जाते हैं, वश तो वशिष्ठ जी घर पे नहीं थे, उनका पुत्र घर पे था, उन्हें कहा मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई, उसका कोई निवारण हो सकता है? कहते हो सकता है। उन्हें कहा तीन दफा राम नाम बोल और पानी डाल, उन्हें तीन दफा राम नाम पानी डाला तो उनकी ब्रह्म हत्या छूट गई और वो ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर वापस आए। और जब वशिष्ठ जी आते हैं तो उनके पुत्र कहते हैं पिताजी आज आपने आपके शिष्य को मैंने ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दिया। वो कहते हैं कैसे? कहते हैं उसे तीन दफा राम नाम जपा के ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दिया। वशिष्ठ जी को इतना क्रोध आया, कहते तुम मेरा पुत्र बंदे के लायक नहीं है, तेरे को प्रभु के नाम पे विश्वास नहीं, महिमा। कहते तीन दफा राम नाम निकला, अरे प्रभु का एक नाम ही पर्याप्त, एक आधा राह ही पर्याप्त है ब्रह्म हत्या से मुक्त करने, तूने तीन दफा नाम जपाया, तूने नाम पे तेरे को निष्ठा नहीं, जा मैं तेरे को श्राप देता, तू निषाद बन जा, नीच कुल में जन्म ले, क्योंकि तेरे को नाम पे तूने तीन दफा नाम जपाया, छोटे से ब्रह्म हत्या के लिए एक नाम पर्याप्त है जीव को ब्रह्म हत्या से मुक्त करने का, और तेरे को विश्वास नहीं इसे तूने तीन दफा उसे नाम जपाया, अब वही जाके भक्त बनता है। तो देखो नाम की कितनी महिमा है, ब्रह्म हत्या तक हमारी छूट जाती है, सिर्फ हमको निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए नाम पे, विश्वास होगा तो जरूर, विश्वास नहीं है ना हम लोग को, इससे कथा विश्वास पैदा कराती है, उन संतों का संग जो नाम निष्ठ होते हैं वो आपके अंदर विश्वास पैदा कराएंगे, तब जाके हमको निष्ठा पैदा होती है।
थैंक यू प्रभु जी. ओके जी. इफ इवन अ ग्रेट सिंफुल पर्सन सिंग द हरिनाम ऑफ हरि डे एंड नाइट, पापी से पापी इंसान भी अगर हरिनाम करता रात दिन, he becomes purified, वह शुद्ध हो जाता है and is counted in the category of topmost saintly person, वो सबसे उच्च कोटि का संत हो जाता है. अब मेरे जैसा एक तो संत इंसान ले लो, ग्रस्त इंसान, बंबई में था, नौकरी करने वाला, फैमिली वाला, आज कथा सुना रहे सब इतने लोगों के साथ इतने सालों से, कैसे है ये प्रभु के नाम की महिमा नहीं तो क्या है? आज दुनिया कथा सुनती है, मुझसे बुलाती है, भिन्न भिन्न देशों में जाता हूँ, हिंदुस्तान में घूमता, किसके बल पे? नाम के बल पे. और नाम के बल पे लोगों का हृदय परिवर्तित होता है. हम केवल प्रेरणा देते हैं, भगवान की कथा, कथा भगवान बना, भगवान के कथा बनाती है, महापुरुषों के शब्द को रिपीट करता है, जटे नाम जपाता भक्त वो बनाती है. हम किसी को भक्ति बना रहे, लेकिन वो मेरी वाणी सुन के नाम जप करते हैं, हम जो महापुरुषों की वाणी बोलते हैं उससे वो भक्ति उनके अंदर आती है और वो भक्त बनते हैं. और आज उसी भजन के प्रभाव से तो आज हम दुनिया भर में कथा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कैसे? ये नाम की तो महिमा है. चैंटिंग द होली नेम डिस्टर्ब ऑल फियर एंड पनिशमेंट. हरिनाम जो है सारे भय को नष्ट करता है और सजा से भी मुक्त कर देगा, हमको सजा नहीं भोगनी पड़ेगी. Chanting of the holy name of Narayan remove the fear of dreaded disease. Yani Harinam jap karne se bade bade bhyanak rog jo hamare jeevan mein aane wale hain, aur sabse bada bhyanak rog hai bhav rog, janm mrityu ka, jab insaan ko nark yatra bhogni padti, fir maa ke garbh mein usko ulta mal mutra ke sthan mein letna padta hai aur keede makode sab kaatte hain, sabse narkon se bhi halat zyada uski kharab hoti uski, aur us sthiti se bhi ye bade bade jo bhyanak rog hain, and royal punishment bade saza usko milni thi, and makes one fearless, yani usko naam jo hai in sab bhayon se mukt kar deta hai, uska bhagwa daan pradan karta hai, us sare bhay se mukt kar deta hai. नाम की विशेषता है. कहते चंटी होने में नारायण, कहते क्यों नारायण के नाम ले, से यानी हरि का कोई भी नाम ले लो, हरि का नाम आपको सारे भयों से और बड़े बड़े पापों से मुक्त होता है. लेकिन लोग यार लेते लोग है, हम तो बड़े पापी है जी, हम क्या करें, हमारा उद्धार होने वाले लोग ये भान उनको करना ही नहीं है. ये केवल हम बोलते हैं, हम तुमको अपने से श्रेय बनाते हैं, तुम नाम जप करो और कथा सुनिए, आप ग्रंथ हम आपको फ्री में देने को तैयार है, लेकिन लोग फिर भी जपने को तैयार नहीं है. आप लोग कहिए हम तो पापी, हमारा हम तो हमारे तो तारने वाले नहीं, मैं तुमको तारने को तैयार हूँ. कैसे? नाम जपा के हरि का नाम तारता है. मैं क्या तो करो, करो ना, लोग करना नहीं चाहते हैं ना. बात यह है लोग के मन में कपट है, वो मुंह से बोलते हैं बड़ी बड़ी बात, आप महान हो. मैं कहा ठीक है मैं महान हूँ, मैं तुम्हें अपने से महान बनाता हूँ, चलो मैं भी राम राम करता, तो तुम भी राम राम करो, मैंने भी कथा पढ़ी है, रामायण पढ़ी, तुम भी पढ़ो, दोनों तुम मेरे से ज्यादा महान हो जाओगे, चलो. लेकिन तब पीछे हट जाते हैं सब. ये सब व्यर्थ की बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है. आप महान हो, आप ये वो, मैं कहता हूँ हर इंसान महान बने, नाम जपना ही तो है, नाम जपने से तो बनेगा. निषाद महान कैसे बना? नाम जप से तो बना. कोई भी जब वो जगह मदर महान कर, नाम जप से बने. वेश्या महान बनी तो नाम जप से बनी. तो जो भी महान बनता तो नाम जप से तो बनता है. हम कहते हैं नाम जप करिए, चिंता क्या, चिंता वाली क्या बात है. लेकिन लोग कहा करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, करता कोई नहीं है. By chanting the names of Hari, all kind of disease, misery, natural calamities and other disturbances become vanquished. तो कहते हैं हरि नाम जप के बड़ी बड़ी बीमारियां, दुख, जो दैविक कोप आ रहे हैं जैसे बाढ़, सूखा, महामारियां, ये सब नाम जपने से ठीक, अंदर डिस्टर्बेंस बिकम वैनक्विश्ड, ये सारे नाम जप से ये सारे रोग ठीक हो सकते हैं. नाम जप कर लो, क्या नाम जप करते नहीं है इसलिए अपने पाप को भोग रहे. चाहे कोई भी बीमारी ले लो, कोई बीमारी भावना कोई भी हो सकता है, वायरस ले लो, कोई भी ले लो, कुछ भी करो, मेन अब इंसान के आपके कर्म होते हैं. नाम जप करिए और नाम जप से सब ठीक हो जाएगा. एज अ स्ट्रॉन्ग विंड डिस्पर्सेस अ क्लाउड, जैसे हवा बादल को तितर बितर करती है. एंड एड डार्कनेस बिकम डिसिपेटेड बाय द राइजिंग ऑफ द सन, अंधकार दूर हो जाता है सूर्य उदय होने से. सिमिलरली चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड रिमूव द इंडल्जेंस इन सिनफुल एक्टिविटीज. हरि नाम करने से इंसान के पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाती, उसकी इच्छा नहीं होती, पाप दिल करता है लेकिन नहीं कर पाता है, धीरे धीरे उसका मन भी हटना शुरू हो जाता है. जैसे कहते हैं ना कि भाई
हवा पंखा चल रहा है, आपने पंखा बंद कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी तो कट ऑफ हो गई पूरी तरीके से, लेकिन पंखा फिर भी थोड़ी देर चलता है उसके बाद बंद होता है ना। उसी प्रकार हरि नाम लेने से, शरणागत होने से। विशाल ये फिर से ठीक कर देगा। हरि नाम करने से क्या होता है, हमारा कनेक्शन खत्म हो जाता है और वो कुछ संस्कार होते पूजन के वो धीरे धीरे कम होने से होता है। पहले आप रोज अपराध करते रहे, 3 दिन में अपराध करोगे, फिर रोज करते, फिर जैसे भजन बढ़ेगा हफ्ते में 1 दिन करोगे, फिर 2 हफ्ते में 1 बार वो गलत आपसे गलत काम होएगा, फिर महीने में फिर वो आदत छूट जाती है। सारी आदतें सुधर जाती हैं भजन के माध्यम से, नाम जप करने माध्यम से। तो कहते हैं द चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड रिमूव द इंडियन सिंफुल एक्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी बाय ओन पोटेंसी, दिस इज द ओपिनियन ऑफ व्यासदेव। कौन कह रहे हैं? व्यासदेव कह रहे हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, ये उनके शब्द हैं। इफ अ पर्सन ए डिस्ट्रेस्ड, अगर कोई उदास है, मोरस यानी मूड सा खराब है, डल हेडेड जड़ बुद्धि वाला है, उसे कुछ समझ नहीं आती, कथा समझ नहीं आती, उसको समझाओ नहीं दिमाग में कुछ घुसता है, फ्रेटेन भयभीत हुआ है, एंड अफ्लिक्टेड बाय सीरियस डिजीज और भयानक रोग से पीड़ित है, and does not find any remedy other sankirtan, and does not find any, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कोई कैसे मैं ठीक होऊंगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, परफॉर्म संकीर्तन बाय चैंटिंग द नेम ऑफ नारायण एंड हरि, सर्टनली ही बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिज एनर्जी हैप्पीनेस। अगर वो हरि नाम का आश्रय लेता है, हरि नाम करता है, तब क्या होता है कीर्तन, उसके पाप कम हो जाते हैं और वो सब से मुक्त हो जाता है, उससे सुख मिलता है। इसका एग्जांपल गोविंद कविराज, ये रामचंद्र कविराज जी के भाई हैं, ये कथा प्रेम विलास के अंदर आती है। उन्होंने आज जीवन माता की पूजा की थी, या तक कि उन्होंने मंत्र से कर माता का साक्षात्कार करते थे, उनको भयानक बीमारी आई और उनका कोई इलाज नहीं होता, मृत्यु का समय आ गया उनका। उन्होंने माँ से कहा, माँ दुर्गा जी से कहा, माँ वो तो बातचीत करते थे कि मैं तो मृत्यु के वश हो चुका हूँ, मेरा उद्धार करिए, मुझे मुक्त कर दो आवागमन के चक्कर से। माँ ने कहा ये तो काम गोविंद का है, संसार से मुक्त करने काम मेरा नहीं है। उसने कहा माँ तो क्या बात करी, कहते हाँ, कहते उनकी उपासना तो मैं भी करती हूँ गोविंद की। आप देखोगे भागवतम के अंदर जब कृष्ण जी ने योग माया को कहा था कि बलराम जी को रोहिणी घर में डाल दो, तब भगवान ने कहा तुम लोगों की मनोकामना को पूरी करना, मुक्ति केवल हरि के हाथ में है, मुक्ति मां नहीं दे सकती, शंकर जी दे सकते हैं, तो राम नाम के बल पे थे, अपना पे वो भी नहीं दे सकते हैं। तो तब गोविंद ने अपने भाई रामचंद्र कविराज को चिट्ठी लिखी, उन्हें बुलाया कि मुझे आके मिल जा। वो श्रीनिवास आचार्य को लेके आते क्योंकि रामचंद्र कविराज ने श्रीनिवास से हरिनाम दीक्षा ली थी, और श्रीनिवास आचार्य के पास आते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, फिर हरिनाम करते हैं और उनके रोग ठीक हो जाते हैं। और 33 साल उसके बाद जिए तब उन्होंने भजन लिखा, भजरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद्रे, तब उनके मुख से निकला कि ये भजन आप सब जानती होगे, हमारे वैष्णव गीत क्या था, भगवान का भजन करिए, नंद नंदन का भजन करो, सारे अभय चरण सारे आपके भयों से आप मुक्त हो जाओगे। ये प्रमाण है, और भी बहुत से प्रमाण मिलेंगे, आप प्रेम विलास ग्रंथ पढ़िए, उसमें जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है और वो भी मंत्रों का, वो भी उनको हरि शरण लेना ही पड़ता है, और हरि की कृपा से ही उनके भावरों का बड़े बड़े रोग दूर होते हैं। वो 33 साल तक जीवित के हरि गुणगान करते रहे, उनके भजन वैष्णव गीतों में आते हैं, हम लोग गाते भी हैं। कहते लॉर्ड विष्णु इज अनलिमिटेड पावरफुल, भगवान हरि जो है विष्णु अनंत है शक्तिशाली, एंड देयरफॉर बाय चैंटिंग हिज होली नेम्स ऑल इवल स्पिरिट्स, यानी प्रेत वगैरह जो होते हैं, डेमन्स राक्षस घोस्ट भूत वगैरह, मॉन्स्टर्स भयानक प्राणी, फीमेल गॉब्लिन्स जो राक्षसियां,
and other similar envious and violent creatures flee away. Thus all one disturb becomes removed. Insan ke sare bhai nasht ho jate hain. Aur uska mujh jaise tuch insan ne bhi 6-7 jagah pe iska prayog karke dekha hai. Jin ke upar kisi ne jadu tone kiya the, pretatma aake takleef deti thi, katha pe nahi baith sakte the, unke paas humne baith ke केवल उन्होंने पंडितों को बुलाया, उन्होंने 15-20 लाख खर्च किए, उन्होंने गुरुद्वारों में गए, उधर से पाठ करवाए, बड़े बड़े बच्ची बीवी 25 लाख खर्च किए, कोई लाभ नहीं मिला। लास्ट पे किसी को बोला कि भाई मेरे को बुला लो। भाई मैंने कहा मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं को केवल हरिनाम आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं हरिनाम करूंगा, बाकी भगवान की कृपा से जो ना होएगा। विश्वास करो 15-20 दिन हरि नाम करता हूँ, आधा घंटा मैक्सिमम, उसी के अंदर वो प्रेतात्मा उनके अंदर से निकल जाती है। और जो 5-5, 6-6, 7 से प्रेतात्मा के वश थे, 6 महीने से प्रेतात्मा के वश थे, वो सब उससे मुक्त हो जाते हैं केवल हरि नाम करने मात्र से। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, 1 घर 2 घर नहीं 6-7 घरों का अनुभव है ये। लोग तो आप हरि नाम से क्या नहीं हो सकता। एक जगह तो ऐसे थे कि मुझे कहा गया कि आप कथा हमारे बेडरूम में करिए। मैं कहा बेडरूम में क्यों? कहते कि हम बेडरूम में सो नहीं सकते, उनके 4 मंजिल की बिल्डिंग है, तो कहते इस बेडरूम में रात को कोई पलंग हिलाता है, हमारा गला कोई दबाता है, ऐसे लगता है। उस रूम में कोई सो नहीं पाता, 4 फ्लोर में। मैंने कथा करनी शुरू की, रामचरितमानस पाठ करना शुरू किया, उनसे हरि नाम कराया। विश्वास करो इस बात को कम से कम 15-20 साल हो गए, आज तक वो घटना नहीं, उल्टा चारों फ्लोरों को लाभ मिल गया। कथा एक घर में बेडरूम में कथा ही, चारों फ्लोरों को लाभ हो गया, 4 फ्लोर के बिल्डिंग के, कभी वो घटना दोबारा हुई नहीं। ये हरि नाम और हरि कथा की भी शक्ति है, ये प्रैक्टिकली अनुभव की गई है हमारे, हमने खुद की। तो ये कहते हैं कि हरि नाम कर सकता है, सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे बहुत से एग्जांपल है। मैंने 1-2 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। भैया निष्ठा से हरि नाम करो, ये खो जो मैं हरि नाम जो मेरे जीवन में हो रहा है, अनुकूलता हो रही, प्रतिकूलता भगवान की इच्छा से हो रही है, और कुछ नहीं है, भगवान ही मेरे रक्षक है और वही उन्हें मुझे बचाना है। जिस परिस्थिति में रखेंगे, रखना चाहते वो रखे, ये नहीं सोचना कि हम हरि नाम किया तो हमें फूलों की सेज मिल गई है, नहीं, कांटे उसपे भी होंगे। प्रहलाद को पूछो कष्ट हुआ था, हम बोलते हैं प्रहलाद कष्ट हुआ, लेकिन प्रहलाद जी से पूछो कहते मुझे कोई कष्ट की अनुभूति, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इतनी यात्रा, मेरा मन तो हर वक्त कृष्ण में लगा था, मैं तो राम राम करता, मुझे पता ही नहीं एक पीड़ा हुई है। तो जब भक्त होते उनको पूछा उनका पीड़ा, कहते कहां पीड़ा हुई, हमें तो पता ही नहीं। हम पीड़ा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि मैं संसार में आसक्त, मेरा मन संसार में है, मेरी आसक्ति या टाइम है, इससे सुख दुख की अनुभूति। सुख दुख जो है मन की स्थिति पर निर्भर करता है 90%। और मैं जो और इससे कहते हैं, मन जब भगवान में लग जाता है, भगवान के प्रेम में, आप सुख दुख की अनुभूति नहीं कर पाओगे, आप इनसे परे हो जाओगे। Chanting the holy name of Hari is the destroyer of all unwanted things from the heart. Anarth, anarth kya unwanted things? मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे को ये करना वो करना, ईर्ष्या है, अहंकार है, प्रतिष्ठा की कामना है, प्रशंसा की कामना है, लोग मेरे को प्रणाम करे, मेरी सेवा करे, मेरे को ये दे, मेरे को वो करे, ये सारे अनर्थ। जब नाम जप करते करते हृदय ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है, केवल कब भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के लिए विलाप करना, भगवान के लिए रोना, नाम जब कैसे बढ़ेगा, प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, प्रेम कैसे उत्पन्न होए, तो ये समस्या मार्जिन में आ जाती है। ये समस्या आने से संसार की सारी समस्या खत्म हो जाती है, यही तो एक्चुअल समस्या है। कैसे प्रेम बढ़े, कब वो आएगा, मैं विरह की अनुभूति करूंगा, कब मैं उनके लिए रोऊंगा, कब वो दिन आएगा, ये कब हमारे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। उसने ये बोला, उसने ये किया, वो हम कंप्लेन करते रहते, जिंदगी कंप्लेन करते करते बीत गई। नाम जब कोई नहीं रखे करता, नाम जब कोई होता समय नहीं मिलता। आप जिंदगी भर कीर्तन करते दुष्टों की वाणी बोल रहे हो,
दुष्ट क्या बोलते हैं वो बोलते हो, दुष्टों की वाणी बोलते जा रहे हो, उसका कीर्तन कर रहे हो, तो नाम कहाँ पे होएगा? आपका टाइम है आर्ग्यूमेंट करने में जा रहा है, बहस करने में, उसको मैं सिखा के आता हूँ, मैं उसको सीधा करके आती हूँ, ये करके आता हूँ, वो करके आता हूँ, मैं सीधा करके, उसी में टाइम वेस्ट हो रहा है। कहाँ से आपके जन्म हरिनाम होएगा मुझे बताओ, कहाँ पे समय मिलेगा आपको? इसलिए तो नहीं मिल रहा, अगर हरिनाम करते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती थी आपके जीवन में। तो हम कारण क्या, कारण हम ही खुद है। हम कैसे, समय समय सबके पास है, हमको आदत है व्यर्थ की, अपने को संसार में घुसने की, अपने घुसाने की आदत पड़ गई हमको, घुसना चाहिए प्रकृति में और घुसाते संसार में, करना चाहिए नाम का कीर्तन, कथा कीर्तन हम करते हैं, दुष्टों का कीर्तन, इससे दुष्टों की 20-20 साल बातें याद है, लेकिन कथा हमको आधे घंटे की याद नहीं। अगर कथा का कीर्तन किया होता, नाम का कीर्तन या अंतकरण से सबको याद आता। फिर लोग कहते हैं आपको तो कोई याद रहता नहीं, आपका तो दिमाग, याद रखने लायक है क्या? भगवान के अलावा कोई चीज याद रखने लायक है क्या? कौन सी वस्तु याद रखे भगवान के नाम के अलावा? अगर सब याद है भगवान का नाम, यानी आप महामूर्ख हो, आप उल्टा सबसे बड़े डफर हो। अगर भगवान का नाम याद है, आप परम बुद्धिशाली हो, भगवान कथा आप बहुत परम कृपालु, कृपा के पात्र बन के आप बुद्धिशाली हो, यही बुद्धि के लक्षण है कि आप इंटेलिजेंट होके नहीं हो। जी को सब याद है भगवान का नाम छोड़ के, तभी तो उसको परेशानी होती, तभी तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन, दुनिया भर के प्रॉब्लम लेके बैठा है, क्योंकि सबको याद रखा है भगवान को छोड़ के। कब वो भगवान को याद करेगा, कब उसको याद रखेगा वो? कथा कीर्तन करिए, रिपीट करिए बार बार के, स्वभाव अभ्यास से बदला जाता है। कोई भी चीज बार बार करो वो स्वभाव में उतरती है, एक बार याद रखना। कथा बार बार पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, तो क्या होगा, एक दिन आपकी भाषा वही होगी जो कथा के अंदर लिखी हुई, जो शब्द है वही प्रयोग करोगे, आपकी विचार सोच भी कथा के अनुसार होएगा, शब्द होएगा, पता चलता है कि आप कितने अंदर घुसे हो। नाम जप करोगे वो स्वभाव में आ जाएगा, स्वभाव बदला जा सकता है। हमने कैसे बदला, कंटिन्यूसली रिपीटेड, बार बार रिपीट करके हमने अपने स्वभाव को बदलना है। कथा सुन के, साधु सुन करके, नाम जप करके, तो जब नाम जप ने आपको 128 माला का टारगेट दिया, भले आप 50 कर पा रहे हो मुझे पता है, लेकिन आपके पास समय तो नहीं रहेगा। आज तो आप दोस्तों के पास जाते, बैठ के गप्पे मारते, इधर की चर्चा करते, निंदा करते, प्रशंसा, आपका समय नहीं। नाम जप करना, नाम जप करना, नाम जप करना है। मैंने 128 का संकल्प ले लिया है, मुझे 50 माला अभी तक हुई है, 64 भी नहीं हो पा रही, कैसे होएगा? आज आप नहीं जाओगे, अच्छा फिर कल, कल भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि रोज आपके संकल्प यह करने का। तो जब संकल्प आपका हरिनाम का अधिक है, तो जो आदत थी नीचे जाने की, व्यर्थ की, वो सारी आते छूट गई ना, अपराधों से बच गए ना, तो स्वभाव बदला कि नहीं बदला? तो स्वभाव कैसे बदला है? हरिनाम करने से बदला है, बढ़ाने से बदला है, कथा बढ़ाने से बदला है। तो अपने स्वभाव को नाम और कथा के द्वारा परिवर्तित, अपने स्वभाव को आपको खुद बदलना है, अधिक नाम करने से, अधिक कथा करने से। तो कहते हैं चैंटिंग होने में, अरे दिस अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम दी हार्ट, अंदर जो है वो सब नष्ट होते हैं। ये रिमूव दी अफ्लिक्शन फ्रॉम हंगर, थर्स्ट, फॉलिंग डाउन एंड अदर डेंजरस सिचुएशन। तो हमें भूख, प्यास कुछ नहीं सताती, या पतन होने का भी भय नहीं रहता, और बड़े बड़े भयानक स्थिति से हम बच जाते हैं, अगर हम हरि कथा में मग्न है। आप देखोगे संसार में, अगर आप काम करोगे 5-6 घंटे तो थक जाओगे, 8 घंटे बहुत, लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में व्यस्त हो, अगर आप 20 घंटे भी काम करते हो, आपको थकान नहीं होगी। ये विशेषता भगवान की कथा नाम की। आदमी 20 घंटा काम करके भी वो फ्रेश महसूस करेगा, भौतिक संसार में वो 4 घंटे भी काम करेगा, थक गया, बहुत काम हो गया, लेकिन कथा जब आप 20-20 घंटे भी करोगे, आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी, आप अपने को फ्रेश मानोगे। ये विशेषता है जो एक्सपीरियंस की, वो कहता है आप इतने कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपको थकान, ये भगवान की कृपा होती है। आप भगवान की सेवा करिए, देखो भगवान आपको शक्ति प्रदान करा है, कृपा उधर से आती है, हम सेवा कर नहीं रहे हैं, बात ये है ना, इससे हम कहते हैं हम थक गए। आप कितने भी थके हुए हो गए, आप कथा में आइए, कितना भी मूड खराब, कथा में आइए, माइंड चेंज होता कि नहीं, तो मूड चेंज होगा, मैं गारंटी कहता हूँ, माइंड मूड आपका सब चेंज हो जाएगा, आप फ्रेश होकर घर जाओगे। हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए साहब। हाँ, जैसे आपने समझाया कि जीवात्मा को जैसे मिनिमम 3.5 करोड़ जाप करने पड़ते हैं,
और फिर उसमें भगवान में प्रीति बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और फिर उसको मोक्ष मिलता है। तो मुझे जानना था कि आपका रियलाइजेशन क्या है प्रभु के मोक्ष के बाद जीवात्मा का क्या होता है भगवान के धाम में, वो क्या करता है भगवान के धाम में? हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है। हम लोग मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि मोक्ष का कामना कर मैं अब मैं सुखी होना चाहता हूँ। हम भगवान की सेवा कामना, वो मुक्त होता ही है भगवान के धाम में, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर की सेवा करना उसका स्वभाव है। हम मुक्ति तो चलो लोअर लेवल पे बोलते मुक्त हो जाओगे, लेकिन मुक्त हो गए लेकिन उसपे ये कामना होती कि मुझे सुख मिलेगा, मुक्ति में एक अपने सुख की कामना होती। तो भगवान में प्रेम का हुआ, मुक्त तो मिल गए, धाम में चले गए, सेवा नहीं मिलती है, लेकिन हमारा उद्देश्य प्रेम और सेवा करना है। हम वो मुक्ति से भी हम हायर लेवल पे जाते हैं, प्रेम और सेवा। और क्योंकि हमारा स्वभाव है उधर गोलोक धाम में जी के पास समय के सारे जीव उधर ईर्षा द्वेष है, सारे जीव व्यस्त है भगवान की सेवा में, राधा कृष्ण की सेवा में। हर बंदा सेवा में लगा है, पेड़ पौधे भी सेवा करे, हर चीज चेतन है, फल भी सेवा करे, वापी रज भी सेवा करे, हवा भी, हर चीज वहां पे सेवा में लगा है। और वो सेवा में ही उन्हें सुख मिल रहा है, अनंत गुना सुख मिल रहा है। वो एक अलग है जो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो सुख और सेवा क्या है। जैसे जैसे आप डीपली जाओगे धीरे धीरे आपको ये चीज अनुभव होगी। फिलहाल मैं आपको ये बात समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको खुद अनुभव होगा। हमको मुक्ति से भी ऊपर उठना है, क्योंकि मुक्ति की कामना में अपने सुख की कामना, इसका मैं अभी हमें प्रेम नहीं है भगवान से, हम सेवा नहीं करना चाहते हैं, हमें सेवा करनी है भगवान की। हम भगवान के नित्य दास है, ये बात घुसाओ, मैं भगवान के नित्य दास हूँ, मुझे उसकी सेवा करनी है। और जैसे प्रभु आपने, हाँ वो समझ आ गया प्रभु, वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन। तो जैसे हम कल पढ़ रहे थे संघा में कि डीपली रूटेड डिजायर होती है, जैसे डिजायर और एनवी का जब तक खत्म नहीं होती इंसान के हृदय से, तब तक भगवान की भक्ति में इतना प्रोग्रेस नहीं होता, प्यार नहीं बढ़ता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि अगर जीव मुक्त भी हो जाता है तो सेवा करने मिलती है, तो वहां पे धाम में जाके अगर कोई डिजायर आ जाती है तो जीव का क्या होता है? उधर डिजायर एक ही होती है भगवान के, कैसे और सेवा करो और सेवा करो, और कोई दूसरी डिजायर उधर हो ही नहीं सकती है। एक ही डिजायर थे भगवान की, और सेवा करो और सेवा करो, कैसे उसको और सुख पहुंचाओ, बस वही है, वो अनंत हो जाती है उसको, उधर फिर वो बड़ी डिजायर रहती है। ये इस लेवल पे ये बहुत ही, मैंने कहा ना कि आपका जो कृष्ण इस लेवल तक है, क्योंकि आप जैसे भक्ति में आगे उन्नति करोगे ना, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके सोच, आपके क्वेश्चन भी एकदम अंतर आ जाएगा, तो पता चलेगा कि आदमी किस स्तर पे बैठा है। तो सारा खेल यह कि हमारे भजन का लेवल किस स्तर पे चल रहा है। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन जी? हाँ जी, किसी के मन में कोई सवाल है? प्रभु जी, एक मेरे, मुझे एक सवाल है कि जैसे आपने अभी बीच में बोला ना कि शिव जी जो है वो राम नाम के बल पे भक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं, तो जैसे शिव जी का खुद का भी धाम है ना, कैलाश है, जो है, तो वहां पे कौन से रस है, वहां पे शांत रस है, या फिर वहां पे कौन लोग शिव के भक्त जाते हैं उन सामने? शिव के भक्त जाएंगे, जो श्री देवता की कोई पूजा करता है उसके लोग पे वही जाते हैं, शिव के भक्त शिव के लोग पे जाएंगे। पर जैसे कोई व्यक्ति जैसे शिव जी की भक्ति का है और निष्काम तरह से करता है, तो वो उनकी भक्ति को भगवान कृष्ण में जोड़ देते हैं, शिव भक्ति आगे राम, भगवान राम में कृष्ण, रामायण के अंदर आते हैं। शिव भक्ति किसे कहते हैं? राम के चरणों में प्रेम होना, यही शिव भक्त का लक्षण है। जिस पे शिव जी कृपा करते हैं उसे हरि भक्ति प्रदान करते हैं। जिस बिगैर शिव की कृपा के हरि भक्ति मिलती नहीं। आप पढ़िए उत्तरकांड में, जो शिव जी के जो शिष्य थे और जिनको जिन्होंने एक गुरु थे, संत थे, उनके शिष्य थे, वो सभी शिव के भक्त थे, लेकिन वो शिव के भक्त और विष्णु की निंदा करते थे। तब उनके गुरु ने कहा कि शिव भक्ति का फल क्या? राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न होना। भी देखो नारद मुनि में आता है कि जिस पे शिव जी कृपा नहीं करते वह हरि भक्ति नहीं पाता। तो शिव की कृपा का लक्षण क्या है? कि राम भक्ति प्राप्त करना, हरि नाम करना, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, मुंह से हरि नाम निकलना। आप देखो राधा कृपा कटाक्ष जो है ये किसके द्वारा निकला गया? ये शिव जी के द्वारा ये रचा गया, राधा कृपा कटाक्ष, कि भाई तो राधा तो मुझ पे कृपा कर। तो शिव जी तो इसको के रचयिता है। भागवत किसने कही है? शिव जी ही तो राधा रानी को, पार्वती को कथा सुधारे भागवतम।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो जैसे आप देखोगे राम कथा भी शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, तो जिस पे शिव की कृपा होती है वो हरि भक्ति की तरफ ही जाता है, वो उसको वो हरि की तरफ मोड़ते ही है मोड़ते हैं। अगर हरि तरफ की तरफ नहीं मोड़ रहे हो तो कुछ गड़बड़। अच्छा शंकर आप देखोगे अखस्त जी ने शंकर जी को राम कथा सुनाई तो शंकर क्या दिया, उनको हरि भक्ति दिया। तो शंकर जी को इसलिए शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पे राम नाम लिखा जाता है, बेल पत्ते पे लोग राम नाम लिख के चढ़ाते हैं। क्यों राम नाम लिखते हैं, उधर ओम नमः शिवाय भी जब तक उधर राम राम बोलते हैं, शिवलिंग पे राम नाम बेल पत्ते पे राम नाम लिख के चढ़ाए जाते हैं। क्यों, शिव को प्रसन्न करना तो उनको राम कथा से प्रसन्न करो, उनको हरि कथा से प्रसन्न करो, तभी तो कृपा मिलती है, तभी तो शिव प्रसन्न होते हैं। पार्वती को आधा शरीर जो मिला है वो अर्ध नरेश्वर, वो शिव की कृपा से तो राम नाम जपने से तो मिला है, शिव की कृपा के पात्र हुए। हनुमान जी नारद जी शिव को क्यों प्रिय है, क्योंकि वो राम के प्रिय, इसलिए वो शिव के प्रिय है। नारद जी हरि को प्रिय से हरि नाम करते हैं, शिव को प्रिय क्यों है, क्योंकि वो मेरे इष्ट का नाम जपते हैं इसलिए वो प्रिय हैं, तो शिव के कृपा के पात्र भी बन गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपने अपने शास्त्रों में 18 पुराण हैं, जैसे आप अगर शिव पुराण पढ़िए देवी पुराण पढ़िए तो सब में ऐसे बताया जाता है, जैसे आप शिव पुराण पढ़िए तो उसमें कहते हैं शिव से ही सारी सृष्टि निकली हुई है। अगर आप देवी पुराण पढ़ते हैं तो वो कहते हैं देवी से ही सारी सृष्टि है, उन्हीं में सब कुछ लीन हो जाता है। अगर हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में भी यही वर्णन मिलता है कि कृष्ण से ही सारी सृष्टि है, सारी सृष्टि उनमें भी लीन हो जाती है। ठीक है, मैं बात समझ गया। मुझे तूने देवी भागवत पुराण पढ़ी है? मैंने पढ़ी नहीं है, सुनी है। तो नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। उसपे लास्ट में क्या बताया, देवी में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है, राधा कृष्ण की भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया। मैंने देवी भागवत पुराण पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है। तो ये सब जो है, अच्छा वेदों व्यास को शांति मिली थी सारे पुराण लिखने के बाद, 17 पुराण लिखे नहीं मिली ना, क्यों नहीं मिली? नारद जी आए, नारद जी तुमने कृष्ण के गुणों का गान नहीं किया, इससे उनको शांति नहीं मिली। तब जाके उन्होंने भागवत लिखी जिसपे कृष्ण गुणों का गान किया, नरसिंह चित्र वामन चित्र और बाकी राम का चित्र सारे वर्णन किए, उसके बाद उनको शांति मिली। उसके बाद उनको कुछ और गान लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनको अगर शांति मिलती है हरि गुणगान करने से तो हम और आपको भी शांति हरि गुणगान करने से ही मिलेगी। हाँ अभी अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, सभी लोग हरि भजन में नहीं आएंगे। अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग ग्रंथ बनाए जाते हैं, लास्ट में उनको हरि की तरफ ही उठाया जाता है। एक जन्म में नहीं तो अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में कभी ना कभी तो आएंगे। कम से कम वो सत्कर्म तो करे, कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म करे, उन देवी देवताओं की कृपा होगी और लास्ट में वो हरि की ओर जाएंगे। देवी भागवत पर मैंने पढ़ी है, मेरे पास है, उस पे राधा मंत्र का बताया गया, राधा कृष्ण को हाईएस्ट स्थान दिया गया और सारी जो देवियां हैं सरस्वती दुर्गा पार्वती जितनी भी है सब राधा जी से उत्पन्न हुई है। हमने पढ़े, मैं सब दावा से कह सकते हैं बात को। और शंकर जी स्वयं और शंकर जी स्वयं कहते हैं हरि भजन हरि का भजन ही सत्य है। ये तो शंकर जी को राम कथा सुनाने की क्या जरूरत थी, शंकर जी को भागवत में अमरनाथ की गुफा में भागवत सुनाने की जरूरत क्या थी, वो सुन के ही तो पार्वती अमर हुई है। तो ये तो हाईएस्ट ग्रंथ है, वो भागवत होगी कि नहीं होगी, एक कॉमन सेंस चला के देखो। नहीं नहीं बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी एक जगह ऐसा भी वर्णन आता है कि शिव और हरि में कोई अंतर नहीं है, उन्हीं को शिव कहते हैं उन्हीं को हरि कहते हैं। दूध और दही में क्या अंतर है, मुझे बताओ ममता, दूध और दही में क्या अंतर है? अंतर है, दूध दही में अंतर है कि नहीं? दूध दही दूध ही है ना। हाँ दूध दही बन सकता है, दही दूध बन सकता है? नहीं प्रभु जी। फिर बन सकते, वही है बस, सब वही अंतर है। शिव जय भार हरि में दोनों एक ही है बस, और कोई अंतर नहीं है। दूध दही बन सकता है, दही दूध नहीं बन सकता, बस यही अंतर है हरि और शिव में, और कोई अंतर नहीं है। नहीं प्रभु जी, आपने जो देवी पुराण का उदाहरण दिया ये बात तो मुझे भी अभी याद आई कि ब्रह्मवेद पुराण में उसी में एक श्लोक था जो काफी लोगों ने शेयर किया था कि राधा रानी से ही सारी शक्तियां निकलती है, सिर्फ उनके एक उसके मात्र से कई देवियां निकलती हैं और फिर उन्हीं में विलीन हो जाती है। सही बात सर, मैं तो वही भी तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा हुआ खुद है। नहीं 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 प्रभु जी, आपने अभी बोला तो मुझे वो भी वो बात याद आ गई। नहीं वो बात आप बिल्कुल ठीक है। प्रभु जी और किसी के मैं सवाल, क्योंकि 7 बज चुके हैं, प्रभु जी नेक्स्ट वीक कथा होगी कि नहीं होगी बताओ, हरि नाम पे शुड बी कंटिन्यू और शुड बी स्टॉप? प्रभु जी कंटिन्यू रखते हैं, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो करेंगे।
नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं. नेक्स्ट सैटरडे सेम 5:30 सेम टाइम बॉम्बे इंडिया का लोकल टाइम 5:30 नेक्स्ट सैटरडे संडे भी. हां प्रभु ओके ओके थैंक यू. हां सैटरडे संडे कंटिन्यू रखते हैं हम लोग अभी एटलीस्ट. ओके अच्छा एनी अदर क्वेश्चन किसी के हमने कोई और कोई क्वेश्चन है कोई कुछ पूछना चाहता है दंडवत प्रणाम. प्रभु जी एक क्वेश्चन है लाइक कोई शंकर भगवान को भी पूरे दिल से पूजा करता है एंड पूरे दिल से कृष्ण का भी करता है तो उसको किसकी शरण मिलेगी. माता जी जरा दोबारा बोलो मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ क्या बोलना चाहते हो. लाइक यू नो कोई है तो शिव पुराण भी रीड करता है एंड कृष्ण भगवान में भी बिलीव कर रहा है दोनों की पूजा सेवा सेम टाइम कर रहा है. नहीं ठीक है शिव पुराण तो पर... उसको किसकी शरण मिलेगी. नहीं अगर वो शिव के पुराण पढ़ता है अगर वो संसार से मुक्त होना चाहता है सुनो अगर वो शिव पुराण पढ़ रहा है और वो वो हृदय से चाहता है कि मैं संसार से निकलूं तो शंकर जी उसको कृष्ण की तरफ मोड़ेंगे राम की तरफ मोड़ेंगे हरि की तरफ मोड़ेंगे गारंटी है क्योंकि जो कृपा करते उसको हरि भक्ति प्रदान करते. लोग शिव पुराण क्यों पढ़ते हैं संसारी कामना की पूर्ति के लिए. अगर संसार से निकलने के लिए पढ़ोगे तो उसके अंदर हरि भक्ति आएगी उसको हरि की तरफ मोड़ेंगे क्योंकि शंकर जी स्वयं राम नाम के बल पे जीव को मुक्ति देते हैं उसको मोड़ते ही मोड़ते हैं. ये आप नरसिंह मेहता की स्टोरी पढ़ लो. नरसिंह मेहता जब घर से उनको निकाल दिया गया वो शिव जी के मंदिर में गए थे बैठे थे शिव जी के मंदिर में 7 दिन तक बैठे भूखे रहे प्यासे रहे. शिव जी ने उनको दर्शन दिया तो शिव जी ने पूछा तू क्या चाहता है. कहते मुझे आपको जो चीज प्रिय वो चीज मुझे प्रदान करो. तो कहा ठीक है उनका वो ले गए सीधा वृंदावन में रास सेतु कहते ये मुझे सबसे प्रिय है. तो शिव जी ने क्या दिया नरसिंह मेहता को कृष्ण ही तो दिए. तो यही है कि आप शिव के भाव से जाते हैं. लोग जाते हैं शिव जी के पास कामना की पूर्ति के भले भोले बाबा है तो मुझे जो मांगो दे देंगे लेकिन शिव जी आपको ठग रहे हैं. कैसे शिव जी सोचते हैं कोई आया मुझे हरी कथा सुनेगा हरी नाम करेगा सुनाएगा मुझे या कथा सुनाएगा अरे ये तो संसारी कामना के लिए मेरे पास आ रहा है इसको जो इच्छा चीज दियो मैं जान छुड़ाऊ ताकि मेरा ध्यान हरी से विचलित ना हो. वो हरी में उनका मन लगा रहता है उन्हें बड़ा दुख लगता है. अगर नरसिंह मेहता को उनका चित्र पढ़िए उनका वो कृष्ण की प्रदान कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं प्रदान कर सकते हैं. लेकिन बात है कि हम किस भाव से उसके पास जा रहे हैं. शिव को आपको जो प्रिय वो मुझे दे दो खत्म ही बात. फिर देखो शिव आपको क्या देते हैं कृष्ण देंगे कि नहीं देंगे इस भाव से जाइए ना. ओके हाँ जी थैंक यू प्रभु जी. हाँ जी ओके और कोई क्वेश्चन है किसी के मन में कोई पूछना चाहता है विश्राम करे. थैंक यू सो मच प्रभु जी. थैंक यू सो मच अमृतानंद प्रभु जी और सभी भक्त लोग को भाई मेरा प्रणाम. किसी के मन में कोई सवाल है आज हमारी माता जी देखो आई है. ये रंजना माता जी है ये रंजना माता जी इतनी नाम करती है. देखो माता जी हमारी कितनी श्रेष्ठ आप बोलते कौन करता है. देखो इनके भी बच्चा है इनका भी हस्बैंड है इनकी फैमिली है. ये माता जी हमारी 3 लाख करती है हमारे लिए सबसे बड़ी प्रणाम प्रभु जी. हो गया देखो हमारी माता जी इधर खड़ी है देखो यहाँ पे सामने खड़ी है रंजना माता जी देखो उनसे मांगो वो माता जी बहुत भजनशील है वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं. माता जी देखो ये भक्त वे अपने को दिखाते नहीं है ये ऐसे श्री भक्त हमको मिलते हैं कृपा से ऐसे भक्तों की हमको जरूरत है. आप बोलते कहाँ भक्त है देखो विद फैमिली ये भजन कर रहे हैं. हाँ जी बोलो हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. हाँ दंडवत प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे